हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहां ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 12 मैथ स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वीडियो का ये पार्ट 1 है। ओके, तो सबसे पहले जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, तो आपकी किताब एनसीईआरटी से जितने भी ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। ओके, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपको फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, गिवन है ये, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। इस क्वेश्चन को रीड करके आपको क्या लगता है, इस क्वेश्चन को रीड करके आपको क्या लगता है कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन होगा? बिल्कुल सही जवाब, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल। एक इवेंट हो चुका है, दूसरे इवेंट की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये आपको बताना है ना। यहाँ पे लिखा है गिवन दैट, मतलब ये तो हो चुका है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, एक तो लड़का, कम से कम एक तो लड़का है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बता दो कि बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, एक तो कम से कम लड़का है फैमिली में, आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो 2 बच्चे हैं ना, दोनों ही लड़के हैं। राइट, गिवन लिखा है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। ये बात किस किस को समझ में आ गई? डन है, ओके जी। तो यहाँ पे लिखेंगे आप फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, मतलब सबसे पहले आप लोग बनाएंगे सैम्पल स्पेस, फिर एक इवेंट ई डिफाइन करोगे और फिर एक इवेंट एफ डिफाइन करोगे। कोई बता सकता है इवेंट ई क्या डिफाइन करेंगे अपन? प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, तो इवेंट ई में लिखोगे बोथ चिल्ड्रन, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, ठीक है ना, ये इवेंट ई हो जाएगा। और इवेंट एफ में क्या डिफाइन करोगे? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, इवेंट एफ में आएगा एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, ठीक है जी। तो ये मैंने इवेंट अपने 2 डिफाइन कर लिए। एक इवेंट है जिसमें क्वेश्चन ने कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, तो ई इज द इवेंट कि बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। एफ इज अ इवेंट, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, तो यहाँ पे लिख दिया एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। अब सैम्पल स्पेस में क्या आएगा जी? सैम्पल स्पेस में कोई बता सकता है मुझे क्या आएगा? फैमिली में कितने बच्चे हैं? फैमिली में 2 बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रन, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, है ना। इस क्वेश्चन को 2 मिनट साइड में करो, आप मेरे एक सवाल का जवाब दो, ठीक है। सवाल ये है कि एक सिक्के को 2 बार टॉस करूं तो उसके सैम्पल स्पेस में कितने आउटकम्स आते हैं? एक कॉइन को 2 टाइम्स अगर मैं टॉस करती हूँ, है ना, तो मैम 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4 आउटकम्स आते हैं। वो 4 आउटकम्स क्या होते हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है मैम। एक सिक्के को 2 बार टॉस किया तो 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4। 2 तो फिक्स है, बेस में यहाँ पे 2 तो फिक्स है। क्यों? इसलिए फिक्स है क्योंकि कॉइन के 2 फेस होते हैं, या तो हेड या तो टेल। अब ये जो ऊपर वाला 2 है ये चेंज होता रहता है, ये डिपेंड करता है कि आप सिक्के को कितनी बार फेंक रहे हो या कितने सिक्के को फेंक रहे हो। तो यहाँ पे सिक्के को मैंने 2 बार फेंका था तो 2 की पावर 2 हो गया, यानी कि 4, और वो 4 आउटकम्स ये हैं। अब मैम इस क्वेश्चन में तो दूर दूर तक कोई सिक्का था ही नहीं, आपने सिक्के की बात क्यों करी? सिक्के की बात मैंने इसलिए करी क्योंकि यहाँ पे भी सैम्पल स्पेस हम इसी लॉजिक से बनाएंगे। फैमिली में 2 बच्चे हैं, वो 2 बच्चे क्या हो सकते हैं? या तो लड़का या तो लड़की, मतलब 2 तो फिक्स है। भैया कितने बच्चे हैं फैमिली में? 2 बच्चे हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर 2, यानी कि 4। तो अब फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन,
तो इसकी सैम्पल स्पेस में चार एलिमेंट्स आएंगे। वो चार एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? या तो दोनों ही बच्चे लड़के हैं, है ना, या तो बड़ा बच्चा लड़का है, छोटी बच्ची लड़की है, या फिर बड़ा बच्चा लड़की है, छोटा बच्चा लड़का है, या फिर भैया दोनों ही बच्चे लड़की हैं। तो ये चार आउटकम्स इसमें बनेंगे। चार ही क्यों बनेंगे? आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। दो बच्चे हैं फैमिली में, दो बच्चे क्या कौन कौन हो सकते हैं? या तो दोनों लड़के, लड़का लड़की, लड़की लड़का, या लड़की लड़की, है ना जी। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके, ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन द सैम्पल स्पेस, राइट। सारे पॉसिबल आउटकम्स हमने लिख दिया, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल, ठीक है। इवेंट ई में हमने डिफाइन किया है कि बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, दोनों ही बच्चे लड़के हैं, दोनों ही बच्चे लड़के हैं, तो एक ही आएगा बीबी, क्योंकि यहां पे तो एक लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़की लड़की, दोनों ही बच्चे लड़के हैं, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, तो बीबी आएगा। फिर एफ ले लो आप, एफ में है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय का मतलब क्या है? कि भैया कम से कम एक तो लड़का होना चाहिए, मैक्सिमम दो भी लड़के हो सकते हैं। पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए, 34 पे फेल हो जाओगे क्या? कम से कम 33 मार्क्स है, 33 या 33 से ज्यादा नंबर आएंगे आप पास कहलाओगे। इसी तरीके से एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय का मतलब क्या है? कि कम से कम एक लड़का हो, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, और सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम दो है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, बॉय बॉय, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, ठीक है जी। हमको क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, गिवन का मतलब स्टोक, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। तो हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, यानी हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना जी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले मैं निकालूंगी ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में एक ही कॉमन है, दैट इज बी बी, इक्वली लाइकली है ये तो, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, E इंटरसेक्शन F में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, एक, एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितना है, चार, तो दिस इज एक अपॉन चार डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। F में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके, F में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तीन, एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस इज चार, तो इनकी प्रोबेबिलिटी हमने लिख दिया, चार से चार उड़ गया, तो आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है एक अपॉन तीन। So, इनने पूछा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/3। आई विश क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, ठीक है, राइट। चलो जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, किसी एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं, ठीक है, आउट ऑफ विच 1000 बच्चों में से 430 तो बेटा गर्ल्स हैं, 430 बच्चे कौन हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज कितने होंगे वो आप जानो, कैसे निकालेंगे 1000 में से 430 को माइनस करके, ठीक है, रखो साइड में, आगे चलो। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th, गर्ल्स इन 12th क्लास, 12वीं कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, ये हमें पता है कि 1000 में 430 लड़कियां हैं, और उन 430 लड़कियों में 10% लड़कियां 12th क्लास में हैं, तो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन 12th क्लास,
भैया 10% ऑफ 430। इन्हें कहा ना, इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स आर इन 12th क्लास। इन 430 बच्चों में से, ठीक है, 10% लड़कियां आपकी 12th क्लास में हैं। मतलब 12th क्लास में कितनी लड़कियां हैं जी? 10/100 × 430। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, यानी 43 लड़कियां जो हैं आपकी वो 12th क्लास में हैं। सो गर्ल्स इन 12th क्लास आर 43, ठीक है, 43 लड़कियां 12वीं कक्षा में हैं। फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th? एक इवेंट ई आप डिफाइन करेंगे यहां पे, क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th? यहां पे लिखोगे स्टूडेंट चोजन स्टडी इन 12th, है ना जी? गिवन दैट द चोजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, स्टूडेंट इज गर्ल, ठीक है जी, ये दो इवेंट आपने डिफाइन कर लिए। आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड। कैसे पता मुझे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडीज इन 12th क्लास? गिवन मतलब स्टोक, स्टूडेंट चोजन इज अ गर्ल, चोजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, तो जो गिवन के बाद है उसे नीचे लिखना है ना? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। मतलब आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ? ई इंटरसेक्शन एफ को अगर अपन लैंग्वेज में रीड करेंगे तो कैसे रीड करेंगे? ई क्या है कि स्टूडेंट चोजन स्टडी इन 12th एंड स्टूडेंट इज अ गर्ल, मतलब उस बच्चे को उठाया है जो 12वीं कक्षा में है और लड़की है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो 12वीं कक्षा में हो और लड़की हो? 43 आर द स्टूडेंट्स। मतलब ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आ रहा है? 43 आ रहा है। क्यों? रीड करो इसको, ई क्या है? स्टूडेंट चोजन इन 12th एंड स्टूडेंट इज गर्ल, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, दिस इज ई एंड एफ, 12वीं कक्षा में हो और लड़की हो। 12वीं कक्षा में हो और लड़की हो वो कितने हैं जी? 43। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर सैंपल स्पेस, एंड हियर सैंपल स्पेस इज 1000। तो 1000 में से 43 ऐसी लड़कियां हैं आपके स्कूल में जो 12th क्लास में है, ठीक है, ओके, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ क्या है जी? स्टूडेंट इज गर्ल। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? 430, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। 1000 में से 430 तो लड़कियां हैं भैया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की लड़की है? 430 लड़कियां हैं डिवाइडेड बाय 1000, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू एफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर सैम्पल स्पेस, है ना जी? तो 430 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 से 1000 चला गया, 43/430, सो दिस इज 43/430। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज 43 वन ज़ा 10, 1/10, 1/10 दैट इज इक्वल टू 0.1। सो 0.1 इज द प्रोबेबिलिटी कि भैया लड़की है स्टूडेंट, स्टूडेंट इज गर्ल एंड शी स्टडीज इन 12th क्लास, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी कि स्टूडेंट चोजन इज अ स्टूडेंट चोजन स्टडी इन 12th क्लास एंड शी इज अ गर्ल, राइट? What is the probability that a student chosen studies in 12th given that she is a girl? So it is 1/10, मतलब 0.1. 0.1 is the probability. ठीक है जी, क्लियर है सबको? ओके, तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, राइट? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहता है आपसे, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, ओके, एंड सम ऑफ द नंबर्स अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6. व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी That the number 4 has appeared at least once? मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं अपन। A die is thrown twice. Can anyone tell me इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे? A die thrown twice.
डाई के केस में आप 6 की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो, ठीक है। यहाँ पे n रिप्रेजेंट करता है कि कितनी बार थ्रो किया है या कितनी डाइस को फेंका है। तो जब एक डाइस को आप फेंकते हो तो n रिप्रेजेंट करता है कि कितनी बार फेंका है। जब दो डाइस को एक बार फेंकते हो तो n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डाइस, ठीक है। तो यहाँ पे अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, डाई एक है, ठीक है। तो इस केस में आपका n क्या होगा, कितनी बार आपने फेंका है, तो आपने फेंका है 2 बार। तो आ डाई इज थ्रोन ट्वाइस मतलब n तो बेटा आपका 2 है, 6 की पावर 2 मतलब कि 36। तो इस एक्सपेरिमेंट में सैम्पल स्पेस में कितने आउटकम्स आएंगे, 36 आउटकम्स आएंगे। तो चाहे तो आप इसका सैम्पल स्पेस बना सकते हो, आओ इसका सैम्पल स्पेस बनाते हैं अपन। तो यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर आ जाओ 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको फिक्स करो, इसके साथ इन सबको घुमा लो आप। तो आपके पास आएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, है ना जी। 2 को फिक्स करो, सबके साथ घुमाओ, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, फिर 3 को फिक्स करो, सबके साथ घुमाओ, सो दिस इज 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, फिर 4 को फिक्स करो, सबके साथ घुमाओ, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, फिर 5 को फिक्स करो, सबके साथ घुमाओ, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, उसके बाद 6 को फिक्स करो, सबके साथ घुमाओ, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, and 6, 6, ठीक है जी। ये आपने सबके साथ घुमा दिया। तो दिस इज द सैम्पल स्पेस, जब आप डाइस को 2 बार फेंकते हो तो 36 आउटकम्स आपके ये होते हैं, ठीक है। ओके जी, तो ये हटा देती हूँ, सैम्पल स्पेस लिख देती हूँ अकेला। ये रहा आपका सैम्पल स्पेस जब आप अपनी डाइस को 2 बार थ्रो करते हो, ठीक है। अब इसमें हमको चाहिए क्या, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, ये हमने देख लिया है, ठीक है, कि जब डाई को हम फेंकते हैं तो जो नंबर्स आए हैं आपके पास, राइट, तो उनका जो सम है वो 6 है, ठीक है। सम इज 6, ओके। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपियर्ड एट लीस्ट वंस, तो आपको निकालना है इस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी कि जो 4 नंबर है वो कम से कम एक बार तो आया है। तो लिखेंगे यहाँ पे ई, 4 हैज अपियर्ड, 4 हैज अपियर्ड एट लीस्ट वंस, 4 हैज अपियर्ड एट लीस्ट वंस, ठीक है। तो आओ जरा ई के अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं अपन। तो ई के अंदर क्या आएगा बेटा, ई के अंदर क्या क्या आएगा, 4 हैज अपियर्ड एट लीस्ट वंस, 4 कम से कम एक बार तो आया है, ज्यादा से ज्यादा 2 बार भी आ सकता है, ठीक है। तो 4 कम से कम एक बार आया है, सो दिस इज 1, 4, 2, 4, है ना जी, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, फिर 4 वाली पूरी लाइन, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5, फिर 4, 6, लो भैया 4 हैज़ अपियर्ड एट लीस्ट वंस, आपके पास ये आ गया। उसके बाद F में क्या है कि सम इज 6, F में क्या है कि सम इज 6, F में क्या है कि सम इज 6, तो F के अंदर क्या आएगा, सम 6 आया हो, है ना। तो सम 6 कैसे मिलेगा, 1, 5, सो दिस इज 1, 5, फिर 2, 4, ठीक है जी, उसके बाद 3, 3, बहुत अच्छी बात है, फिर 4, 2, ठीक है बेटा, फिर 5, 1, तो अगर ये 2 नंबर्स आएंगे तभी तो सम 6 होगा, ठीक है।
रीड करो क्वेश्चन को. अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, तो ये इसकी सैंपल स्पेस आ गई. एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6. ये आपने देखा है, ऐसा हुआ कि जब डाई को फेंका दो बार तो जो सम आ रहा है दोनों डाइस पे, दैट इज कमिंग आउट टू बी 6. तो हमने देखा कि 6 कैसे कैसे मिल सकता है. 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. ओके, वट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपियर्ड एट लीस्ट वंस. क्या प्रोबेबिलिटी है, डायरेक्ट पूछ रहे हैं आपसे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 4 हैज अपियर्ड एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार नंबर 4 दिख जाए. ज्यादा से ज्यादा दो बार भी दिख सकता है, तो वो रहे एक बार 4 दिख जाए. सो 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, और फिर ये 4 वाली पूरी लाइन है ना जी. तो आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, एंड दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. क्योंकि ये ऑब्जर्व किया है आपने, मतलब ये घटना घट चुकी है कि सम इज 6, प्रोबेबिलिटी बता दो कि 4 हैज अपियर्ड एट लीस्ट वंस. ठीक है, अब आप लोग यहाँ से ई इंटरसेक्शन एफ भी निकालोगे कि इनमें क्या कॉमन है. तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या कॉमन आएगा, आओ चेक करते हैं अपन. ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा, 2, 4 आ जाएगा जी, 2, 4 है ना जी, और 4, 2 आ जाएगा. ये दो आ जाएंगे ई इंटरसेक्शन एफ में कॉमन. हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, एंड दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. सो ई इंटरसेक्शन एफ की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हाउ मेनी एलिमेंट्स फेवरेबल टू ई इंटरसेक्शन एफ आर देयर. ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स हैं जी, 2 हैं. एंड सैम्पल स्पेस में कितने हैं, 36, तो 2/36 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ. एफ में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे लिखोगे 5/36, 36 से 36 चला गया. सो 2/5 प्रोबेबिलिटी है कि सम आपने 6 ऑब्जर्व किया था, एंड प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट वंस 4 हैज अपियर्ड, दैट इज इक्वल टू 2/5. डन, ठीक है. सैम्पल स्पेस बनाओ, क्वेश्चन को उड़ाओ, बस डिकोड करो कौन से कंसेप्ट का क्वेश्चन है. ये ऑब्जर्व किया है, मतलब ये घटना घट चुकी है, राइट. तो एफ आपका इवेंट हो चुका था, आपको बताना है कि क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 4 हैज अपियर्ड एट लीस्ट वंस. तो बस काम कर दिया क्वेश्चन को खत्म. क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन. एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर कीजिए कि आपने एक सिक्के को टॉस किया है. कितने सिक्के को, अ कॉइन, एक सिक्के को, ठीक है. इफ द कॉइन शोज हेड, टॉस इट अगेन, बट इफ इट शोज टेल, देन थ्रो अ डाई. ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है. फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4 गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट 1 टेल. हमने कहा ठीक है, समझ गए. इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा डिकोड करते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसमें ऐसी क्या खास बात है. ठीक है, तो सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर करना है जिसमें आपने एक कॉइन को ना टॉस किया है. ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जब आप किसी कॉइन को टॉस करते हो ना, तो क्या आ सकता है जी, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है ना. ठीक है, फिर इन्हें कहा है कि इफ द कॉइन शोज हेड, टॉस इट अगेन. अगर हेड आया था तो फिर से टॉस करो. ठीक है जी, हेड आया था फिर से टॉस करेंगे, तो फिर से टॉस करेंगे तो हो सकता है फिर हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए, है ना जी. एक सिक्का मेरे पास था, मैंने उसको टॉस किया तो मान लो हेड आया. अगर हेड आया है तो मुझे फिर टॉस करना है, राइट. तो क्या आ सकता है फिर टॉस करने पे, या तो हेड या तो टेल. तो अगर पहले हेड आया तो दूसरी बार भी हेड आ सकता है. देखो ना, ये कॉइन है, उसको मैंने टॉस किया, कॉइन को मैंने टॉस किया, तो हेड आ सकता है टेल आ सकता है. अगर हेड आया है ना, तो फिर से आपने अपने सिक्के को टॉस किया है, तो जब फिर से टॉस करोगे तो हेड आ सकता है टेल आ सकता है. मतलब इस हेड के साथ ये पेयर आ सकता है, हेड 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 टेल, है ना जी. ये मेरा पहला वाला सिक्का है, पहली बार टॉस किया हेड आया, फिर से टॉस करना है तो हेड आया, तो हेड हेड आ सकता है, तो हेड टेल आ सकता है. ठीक है, ओके. फिर इन्हें कहा है
कि इफ इट शोज टेल, अगर स्टार्टिंग में टॉस करने पे वो टेल शो करता है देन थ्रो अ डाई, तो आपको डाइस फेंकना है. तो डाइस फेंकोगे तो टेल के साथ इस डाइस के क्या क्या पेयर बन सकते हैं. तो टेल आया था सिक्के पे, डाइस को फेंकोगे तो हो सकता है एक आ जाए. टेल आया था सिक्के पे, डाइस को फेंकोगे तो हो सकता है टू आ जाए. टेल आया था सिक्के पे, डाइस को फेंका तो तीन आ जाए. टेल आया था सिक्के पे, डाइस को फेंका तो चार आ जाए. टेल आया था सिक्के पे, डाइस को फेंका तो पाँच आ जाए. टेल आया था सिक्के पे, डाइस को फेंका तो छः आ जाए. तो इस टेल के साथ ये सारे पेयर आ सकते हैं. तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं कि मेरे पास एक सिक्का है और मैं फ्री बैठी हूँ, दुकान है बंद, तो मैं टॉफ़ी लेने नहीं जा पा रही. तो मैंने क्या किया, मैंने उसको टॉस किया. फिर मैंने कहा चलो क्वेश्चन बनाते हैं और बच्चों को करते हैं परेशान. ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन बना दिया भाई हमने, हमने ऐसा क्वेश्चन बना दिया कि कॉइन को टॉस कर रहे हैं हम, हेड आ जाए तो फिर से टॉस करेंगे. तो उस हेड के साथ हेड 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 टेल आ सकता है. कॉइन को स्टार्टिंग में टॉस किया, टेल आ जाए. तो कुछ समय पहले हम डाइस से खेल रहे थे, मैंने कहा सुनो अगर टेल आता है तो डाइस को उठा के फेंकेंगे. तो उस टेल के साथ डाइस में क्या क्या आ सकता है वो मैंने पेयर बना दिया. तो नाउ दिस बिकम्स माय सैम्पल स्पेस. ठीक है, यहाँ पे मेरी सैम्पल स्पेस क्या बन गई जी, यहाँ पे मेरी सैम्पल स्पेस बन जाती है हेड हेड, राइट, फिर हेड टेल, ठीक है, फिर टेल के साथ वन, टेल के साथ टू, टेल के साथ थ्री, टेल के साथ फोर, टेल के साथ फाइव, टेल के साथ सिक्स. ठीक है जी, लो भैया ये आपकी सैम्पल स्पेस बन गई. अब फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट. एक इवेंट डिफाइन करो, क्या डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन फोर, डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन फोर. तो डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन फोर, तो ई में क्या आएगा जी, ई में आएगा टी कॉमा फाइव एंड टी कॉमा सिक्स. फिर एफ डिफाइन करो, एफ में क्या आएगा, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल, एक से ज्यादा भी हो सकता है. तो एटलीस्ट वन टेल है तो आपके पास क्या आएगा जी, कम से कम एक टेल तो हो. तो एच टी इधर भी एक टेल है और बाकी ये सारी छह टेल. तो यहां पे लिखोगे टेल वन, टेल टू, टेल थ्री, टेल फोर, है ना जी, टेल फाइव, टेल सिक्स. ठीक है बेटा जी, बना दिया आपने ये भी. ओके, अब क्या चाहिए आपको, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन फोर, डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन फोर, गिवन मतलब स्टोक, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट एक टेल तो है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड आपको चाहिए. ठीक है ना, एटलीस्ट वन टेल ये आपको चाहिए. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. ओके, अब मेरे पास ई इंटरसेक्शन एफ तो है नहीं, आओ पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं. हमको क्या चाहिए वो हम यहाँ लिख लेते हैं. हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, और उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. सबसे पहले काम करते हैं यहीं पे ई इंटरसेक्शन एफ लिख लेते हैं. इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स आते हैं. तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर क्या क्या आएगा जी, टी फाइव एंड टी सिक्स ही आएगा. सो टी फाइव टी सिक्स. अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, मैम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर सैम्पल स्पेस. दैट मीन्स वन, ये तो कितना है, ये छः सात आठ, मैम टू अपॉन एट. अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा जी, मैम एफ में कितने इवेंट्स है, छः और एक सात, सात अपॉन एट, मतलब मैम इसका आंसर है टू अपॉन सेवन. और मैं कह रही हूँ कि ये गलत है. ऐसा क्यों, आप लोग ज़रा सोचो ये गलत क्यों है. ठीक है, इस पर विचार थोड़ा सोचो, क्यों टू बाई सेवन गलत क्यों है. टू बाई सेवन इसीलिए गलत है क्योंकि, इसीलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे इवेंट्स ना इक्वली लाइकली नहीं है. मतलब सैम्पल स्पेस के अंदर आपके पास जितने भी आउटकम्स हैं ना, उन सब की प्रोबेबिलिटीज ना सेम नहीं है.
तो आप लोग जो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा रहे थे फेवरेबल अपॉन टोटल वाला, वो होल्ड इस केस में नहीं करता है। आप इस फॉर्मूले के थ्रू इसका आंसर नहीं बताओगे, ठीक है। 2/8/7/8 ये काम आप नहीं करोगे, ठीक है। बेसिकली आप फेवरेबल आउटकम्स इन ई इंटरसेक्शन ए एफ डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन योर सैम्पल स्पेस, यही कर रहे थे ना, तो ये काम आप नहीं कर सकते हो क्योंकि ईच एंड एवरी आउटकम्स इन योर सैम्पल स्पेस डज नॉट हैव सेम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उनकी प्रोबेबिलिटीज सेम नहीं है। कैसे मैम? सुनो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हेड है, ये हेड है। एक कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है जी? हाफ, 1/2 × 1/2, यानी इस पूरे आउटकम की प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी आ रही है? इस पूरे आउटकम की प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1/4 आ रही है। इसी तरीके से इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी मेरे पास? हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ है एक सिक्के के केस में, और टेल की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, मतलब 1/2 × 1/4, तो दिस इज ऑल्सो 1/4। कहानी में ट्विस्ट आता है यहाँ से। एक सिक्के में टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ है, एक सिक्के में एक की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैम सिक्के में एक कहाँ से आएगा? सॉरी, एक सिक्के में टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ है, ये वन कहाँ से आया है? डाइस से आया है। तो डाइस में एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी? 1/6। तो टोटल इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 1/12, 1/12। आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया? आपने यहाँ पे ये नोटिस किया, इसकी भी 1/12 होगी, इधर भी 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12। लेकिन एंटायर पूरे सैम्पल स्पेस के अंदर रखे सभी एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट आ रही है ना? इसकी 1/4 है, इनकी 1/12 है। इन सब की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए थी। अगर इन सब की प्रोबेबिलिटी सेम होती तो डेफिनेटली आप आंसर वो 2/7 वाला लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते थे। बट यहाँ पे सैम्पल स्पेस के अंदर रखे हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी इज डिफरेंट। दिस इज 1/4, दिस इज 1/12, दे आर डिफरेंट। दैट मीन्स आप इस तरीके से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं निकालोगे। कौन से तरीके से? नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर सैम्पल स्पेस, ये लॉजिक आप नहीं लगा सकते। तो जब भी ऐसा हो जाए कि सैम्पल स्पेस के अंदर रखे हर एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट आ रही है, यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो ऐसे केस में हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं एक अलग तरीके से जो हमने क्लास 11th में सीखा है, राइट? तो यहाँ पे जब मुझे ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो मुझे चाहिए ना, बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी मैं निकालूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कॉमा 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कॉमा 6 इस वाले मेथड से। हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी लगा के बीच में प्लस का निशान। तो टी कॉमा 5 की प्रोबेबिलिटी 1/12, टी कॉमा 6 की प्रोबेबिलिटी भी 1/12, 1/12 + 1/12, दैट मीन्स 2/12, दैट मीन्स 1/6। तो यहाँ पे क्या आएगा जी? 1/6 आएगा। सो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 1/6 आ रही है, है ना जी? टी की प्रोबेबिलिटी हाफ, डाइस में 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। सो 1/2 × 1/6, 1/12 प्लस 1/12, मतलब 2/12, 2 × 1 = 2, 6 = 1/6। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी इज 1/6, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको एफ की भी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो एफ की भी प्रोबेबिलिटी आप इसी मेथड से निकालेंगे। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कॉमा टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कॉमा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कॉमा 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कॉमा 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कॉमा 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कॉमा 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कॉमा 6 इस ही मेथड से निकालेंगे। तो यहाँ पे एच टी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/4, एच की प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू टी की प्रोबेबिलिटी हाफ, दैट मीन्स 1/4। तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग 1/4 प्लस टी वन की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी जी? बोलो, टी की प्रोबेबिलिटी हाफ, 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, मतलब 1/12। कितने हैं टोटल? 6, तो 6/12, 6/12,
तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना, देखो इसकी प्रोबेबिलिटी 12, 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, टोटल 6/12। 6 1 6 2 मतलब प्लस हाफ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है जी, हाफ आ रहा है। एलसीएम लोगे 4 आ जाएगा, सो 1 + 2 यानी कि 3/4। तो ये मेरी एफ की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इन जाके प्रोबेबिलिटीज को फॉर्मूले में रख देती हूँ। सो इसकी प्रोबेबिलिटी आई थी 1/6, इसकी प्रोबेबिलिटी आई थी 3/4। सिंप्लीफाई करोगे तो 1/6/4/3 उल्टा घूम के चला गया, तो ये आ रहा है 2 2 4, 2 3 6 यानी कि 2/9। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप कि ये कहानी क्लियर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या ये बात क्लियर है कैसे इसमें काम करना है? ठीक है, तो 2/9 इसका आंसर है, 2/7 इसका आंसर नहीं है, दैट इज रॉन्ग, राइट? चलिए जी, तो अगले क्वेश्चन की तरफ अपन आगे चलते हैं। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एन इंस्ट्रक्टर हैज़ अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 ईजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन का बैंक है जिसमें मेरे पास 300 ईजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हैं। ईजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है 300, मेरे पास 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हैं, मेरे पास 500 ईजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, मेरे पास 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। इफ द क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, What is the probability that it will be an easy question? Given that it is a multiple choice question, ठीक है? तो क्या probability है कि easy question होगा? It is given कि it is a multiple choice question. तो यहाँ पे दो event आप define करोगे, तब तक आप जरा सोच के बताओ कि कौन से logic से ये question solve होगा. बिल्कुल सही कह रहे हो, conditional probability के logic से. एक इवेंट हो चुका है, दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बताना है आपको। आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि इजी क्वेश्चंस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और ये गिवन है कि भैया एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, तो गिवन के बाद मतलब नीचे लिखना है, जो पूछा है उसको ऊपर लिखेंगे। सबसे पहले आओ इवेंट को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे एक इवेंट आप डिफाइन कर लो ई, दैट इट विल बी एन ईजी क्वेश्चन। E is a event कि हमने ना easy question को pick किया है, okay? और F आप अपना event ले लो कि it is a multiple choice question। हमको चाहिए probability of E when F has occurred, है ना? It will be an easy question given it is an MCQ question। तो ये क्या होगा जी? This is probability of E intersection F divided by probability of F। E इंटरसेक्शन F की अगर मैं आपसे बात करूं तो E इंटरसेक्शन F के अंदर क्या आएगा? E क्या है आपका? इजी क्वेश्चन। इंटरसेक्शन का मतलब एंड है। F क्या है आपका? एमसीक्यू क्वेश्चन, मतलब इजी एमसीक्यू क्वेश्चन, है ना? इजी क्वेश्चन भी हो और एमसीक्यू भी हो, दैट मीन्स E इंटरसेक्शन F चाहता है कि भैया इजी एमसीक्यू हो, इजी एमसीक्यू। ठीक है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है? इजी एमसीक्यू। इजी एमसीक्यू कितने हैं आपके पास? 500। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज 500/1000, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, एंड द सैम्पल स्पेस हेयर इज 1000। क्यों लिख दिया मैंने? रुको, सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट है? अ क्वेश्चन बैंक, ये क्वेश्चन बैंक में टोटल क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 500, 1000, 1400। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द क्वेश्चन बैंक इज 1400। देखो ना, 3, 2, 5, 500, 500, 1000, 1000 + 400, 1400। ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ में क्या है? एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस कहाँ कहाँ हैं? यहाँ यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, मतलब 500 प्लस 400 दैट इज 900 डिवाइडेड बाय 1400। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर सैम्पल स्पेस। तो 1400 तो उड़ गया, आपके पास आता है 500/900, दो जीरो भी आपके उड़ गए, तो दिस इज 5/9।
ठीक है ना, कितना आ रहा है 5/9. आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर है, राइट, डन. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 5 से डील करना था. चलते हैं अगले सवाल की तरफ. अगला सवाल कहता है कि अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट. एक बॉक्स के अंदर ऑरेंजेस है, इसको हमने किया है इंस्पेक्ट. कैसे? बहुत सारे ऑरेंजेस हैं बॉक्स के अंदर, है ना, तो हमने सिर्फ रैंडमली ऐसा कोई 3 ऑरेंज बाहर निकाले. कैसे? विदाउट रिप्लेसमेंट. 3 ऑरेंजेस बाहर निकाले हैं आपने विदाउट रिप्लेसमेंट. ओके, इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, अगर ये तीनों ऑरेंजेस आपके अच्छे निकल आते हैं तो बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, तो हम उस बॉक्स को बेच देते हैं. ठीक है, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, अदरवाइज इसे रिजेक्ट कर देते हैं. अगर तीनों ऑरेंज अच्छे आएंगे तो ये सेल के लिए जाएगा, अदरवाइज डब्बे को रिजेक्ट कर देंगे. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड, 15 ऑरेंजेस हैं आपके इस बॉक्स के अंदर जिसमें से 12 ऑरेंजेस अच्छे हैं और 3 ऑरेंजेस ना खराब हैं, ये डब्बा सेल के लिए अप्रूव हो जाएगा, आपको बताना है. ठीक है, तो यार ये डब्बा तो सेल के लिए तब अप्रूव होगा ना जब मैं इसमें से 3 ऑरेंज बाहर निकालूँ, तीनों ही गुड आ जाए, तभी जाएगा सेल के लिए, अदरवाइज तो जाएगा नहीं. हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी कि बॉक्स विल बी अप्रूव्ड, बॉक्स विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल. ठीक है भैया, तो यहां पे हम एक इवेंट डिफाइन करते हैं. क्या? लेट इवन बी द इवेंट सिलेक्टेड ऑरेंज इज गुड. ठीक है, या फिर इसको ऐसा लिख लो आप लोग कि लेट इवन इज द इवेंट कि फर्स्ट ऑरेंज इज गुड, है ना, पहला ऑरेंज जो आपने बॉक्स में से निकाला, फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड. ठीक है जी, लेट E2 बी द इवेंट कि भैया सेकेंड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड. ठीक है, E3 इज द इवेंट कि थर्ड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड, तभी तो डब्बा सेल के लिए जाएगा. मतलब बेसिकली आपको निकालना है बॉक्स विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल. तो बॉक्स कब अप्रूव होगा सेल के लिए? बॉक्स तब अप्रूव सेल होगा जब पहला ऑरेंज भी सही है, दूसरा ऑरेंज भी सही है और तीसरा ऑरेंज भी आपका सही है. आपको बेसिकली ये निकालना है ना, बॉक्स कब होगा अप्रूव सेल के लिए? जब आपके उस डब्बे में से पहला ऑरेंज भी अच्छा निकला, दूसरा भी अच्छा निकला और तीसरा भी अच्छा निकला. अच्छा, आप ये जो बॉक्स में से ऑरेंजेस बाहर निकाल रहे हो ना, ये काम विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ हो रहा है. दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है ये. आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 चाहिए कि जो 3 ऑरेंजेस आप बॉक्स में से निकाल रहे हो वो गुड है. तो विदाउट रिप्लेसमेंट की बात है ये. विदाउट रिप्लेसमेंट इसका मतलब क्या? आप इसे लिखेंगे कि सुनो, फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज तो अच्छा आ गया, ठीक है, फिर आप बॉक्स के पास फिर से जा रहे हो तो आप लिखेंगे कि देखो जी, पहला ऑरेंज तो अच्छा आ गया, दूसरा ऑरेंज अच्छा आ जाए. ठीक है, फिर आपको बॉक्स में से एक और ऑरेंज निकालना है तो आप क्या लिखेंगे कि देखो यार, पहला ऑरेंज एंड दूसरा ऑरेंज तो अच्छा आ गया, अब जो तीसरा ऑरेंज बॉक्स में से निकाल रहे हैं ना वो भी अच्छा आ जाए. अगर ऐसा हो जाता है तो बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल. राइट, क्लियर है सबको? इस बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने थे? 15, जिसमें से 12 अच्छे थे और 3 आपके खराब थे. ठीक है, सबसे पहले आप डब्बे के पास जा रहे हो और ये काम कैसा हो रहा है यहाँ पे? विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ हो रहा है. सबसे पहले आप बॉक्स के पास गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट ऑरेंज गुड, पहला ऑरेंज अच्छा आ जाए. सो कितने ऑरेंज हैं जो अच्छे हैं? 12. एंड हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर देयर इन द बॉक्स? 15.
एक निकाला आपने, अब विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी जो संख्या है उसमें कमी आ जाएगी, ये 11 हो जाएंगे, ये 14 हो जाएगा। जब दूसरी बार जा रहे हो आप लोग ऑरेंज को निकालने के लिए, तो हाउ मैनी ऑरेंजेस आर देयर जो अच्छे हैं, और टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर 14। फिर जब तीसरी बार डब्बे में जा रहे हो ऑरेंज को निकालने के लिए, तो इसकी संख्या फिर कम हो गई, ये 10 हो गया, ये 13 हो गया, यहाँ पे लिखोगे 10/13। कर लो इसको सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई कर लो आप लोग, जल्दी से क्या आएगा जी, ये आएगा 2 6 12, रुको 3 से उड़ाओ इसको, 3 4 12, 3 5 15, है ना जी, ठीक है ना। यहाँ पे 11, यहाँ पे देखो 2 5 10, 2 7 14, दिस इज 13, 5 से 5 उड़ गया, कितना आ रहा है जी, 44/7 3 21, 7 7 8 9, 44/91। सो 44/91 प्रोबेबिलिटी है कि वो जो डब्बा है सेल के लिए अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। सो ये यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट काम हो रहा था, एक से ज़्यादा काम को आप यहाँ कर रहे थे, 3 ऑरेंजेस को साइमल्टेनियसली बाहर निकाल रहे थे विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ, तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी ही है, और इसको इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है। अगर एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आता ना, तो मैं डायरेक्टली आपको ये लिख के दिखाती, लेकिन क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको ये फॉर्मूला लिख के दिखाना पड़ेगा कि एक ऑरेंज अच्छा आ गया, फिर बोलोगे अच्छा एक अच्छा आ गया, दूसरा अच्छा आ जाए, फिर यहाँ पे आओगे सुनो पहले 2 अच्छे आ गए, तीसरा अच्छा आ जाए, ठीक है। फिर बस यहाँ पे एलिमेंट्स को रखना है, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को, और क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा। आई विश कि ये क्वेश्चन क्लियर है, 44/91 इज द आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 3/5, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5, फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है भैया, सबसे पहले लिख लो क्या क्या गिवन है, कि हमारे पास ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है कितना, 1/2, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है कितना है जी, 3/5 है, फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है एंड दैट इज इक्वल टू पी। ओके, हमको पी चाहिए इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सबसे पहले फर्स्ट केस में पी बता दो, ये जो आपके इवेंट्स हैं ना, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ये क्या मतलब होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कोई बताएगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि आपके इवेंट ए एंड बी डिसजॉइंट है, देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन देम। मतलब अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लेने चलूँ ना, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम, मतलब ए इंटरसेक्शन बी मेरा 5 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, अंडा होगा, 0 होगा। जब ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कुछ है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी ना, ठीक है। अब मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताओ इस इवेंट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो 0 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो मेरा पी है वो पी कितना है ये बताना है। तो मैंने कहा सुनो कैसे बताऊंगी मैं, फिर मेरी नज़र जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के पास। हम सब जानते हैं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम सब जानते हैं ये बात, दिस इज जनरल फॉर्मूला, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिंस पहले केस में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितना है, अंडा, दैट मीन्स यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है, 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, पी। तो यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे, सो दिस इज 3/5 माइनस 1/2, दैट इज इक्वल टू पी। आपने एलसीएम लिया 10 आ जाएगा, है ना, तो 5 2 2 3 6 माइनस 2 5 5 1 5 इज इक्वल टू पी। मतलब पी क्या आ रहा है आपके पास, 1/10 आ रहा है। तो पहले केस में जब आपके इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दैट मीन्स ए एंड बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है,
तो ऐसे केस में ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास? जीरो होगी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की वजह से ये जीरो हो जाएगा. इन सब की वैल्यूज रखा, पी की वैल्यू 1/10 आ गया. सेकेंड केस में इनने कहा है कि भैया इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट हैं. अच्छा ठीक है, इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट है ना तो बच्चा बच्चा जानता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना? ठीक है जी, लेकिन मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी तो है नहीं. मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है ना. देखो अपने पास यहाँ पे हम जानते हैं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो यहाँ पे आप देखें कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास? 3/5. ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास? हाफ. बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास? पी. और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी मेरे पास है ही नहीं. यही तो फाइंड करना है, तभी तो इसकी हेल्प लेके मैं यहाँ पे अपना पी की वैल्यू निकालूंगी. मैंने कहा ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं, है ना. सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज कमिंग आउट टू बी हाफ प्लस पी माइनस 3/5. चेक करो, हाफ प्लस पी माइनस 3/5, इसको उठा के यहाँ लेकर आ गई, है ना जी. एलसीएम ले लो आप, इधर अगर एलसीएम लोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना निकल के आएगा आपके पास? एलसीएम लिया तो 10 आएगा एलसीएम, 2 5 5 1 दिस इज 10, 5 2 2 3 6, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन था, ठीक है. तो यहाँ पे p कहाँ चला गया? यहाँ पे 10p होगा माइनस 6, ठीक है. एलसीएम लिया 10, तो 2 5 5 1 10 10 × p 10p, 5 2 2 3 6 ऐसा आ गया. 5 में से 6 चला गया तो -1/10 आ गया. 5 में से 6 गया -1 10p -1/10, ठीक है. सो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले फॉर्मूले में चलते हैं, क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास है 10p -1/10 एंड दिस इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे गिवन है विच इज हाफ, सो हाफ इंटू पी, तो यहाँ पे लिखूंगी p/2, ठीक है. इसे कट कर दो थोड़ा सा, 2 1 2 5 10, इसको यहाँ ले जाओ तो दिस इज 10p -1 = 5p, तो ये आएगा 10p -5p = 1. और 10 में से 5 गया तो कितना आया जी? 5 आया ना. सो 5p = 1, तो p = 1/5. इसके साथ आपका ये क्वेश्चन उड़ जाता है. तो अगर आपके इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ए था, बी था, पर पी ए इंटरसेक्शन बी था ही नहीं, उसकी जगह पे मेरे पास ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी थी. मैंने कहा ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इनको रखा, इसको यहाँ, इसको वहाँ शिफ्ट किया, ठीक है ना. एलसीएम लिया 10, तो मेरे पास 10p -1/10 आ रहा है. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे पास हाफ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे पास पी था, तो p/2 2 1 2 5 10 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ शिफ्ट, उसको वहाँ शिफ्ट, पी की वैल्यू 1/5 आ गई. तो p/1/5 आता है सेकेंड केस में जब आपके इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं. और क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 black and 8 red balls. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, ठीक है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप कितनी बॉल्स निकाल रहे हो जी? 2 balls निकाल रहे हो, ओके. कैसे? विद रिप्लेसमेंट. आपने जैसे ही ये शब्द देखा विद रिप्लेसमेंट, आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना जी.
आप दो बॉल्स निकाल रहे हो कैसे, विद रिप्लेसमेंट से। दैट मीन्स ये जो दो बॉल्स निकालने का कार्यक्रम है इट इज इंडिपेंडेंट, राइट। आगे देखिए, कहाँ से, फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स। एक डब्बा है जिसमें 10 ब्लैक बॉल है और 8 रेड बॉल है, उसमें से आप दो बॉल्स को बाहर निकाल रहे हो विद रिप्लेसमेंट। तो आओ एक डब्बा बना लेते हैं, दिस इज अ बॉक्स, ठीक है। इसमें मेरे पास 10 ब्लैक बॉल्स हैं, ओके जी, एंड 8 मेरे पास रेड बॉल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मेरे पास 18 हो गई। अब इस डब्बे में से मुझको ना दो बॉल्स बाहर निकालनी है, राइट, और कैसे, रिप्लेसमेंट के साथ। रिप्लेसमेंट के साथ दो बॉल्स बाहर निकालने का मतलब ये है कि जब आपने एक बार बॉल बाहर निकाली, आपने उसको देखा और दोबारा बॉक्स में डाल दिया। ये काम कैसे हो रहा है, विद रिप्लेसमेंट के साथ हो रहा है। यानी कि जब आप अपने बॉक्स में से पहली बॉल को बाहर निकालते हो, उसे देख के उसे अंदर डाल देते हो, और दोबारा जब दूसरी बार उस बॉक्स के पास जाते हो बॉल को निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ बॉल्स की संख्या में कमी नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट काम हो रहा है। आपने पहली बार बॉल निकाली, अच्छा जी, रख दिया अंदर, दोबारा फिर से जब अपने बॉक्स के पास जाते हो बॉल निकालने के लिए, अगेन आपके बॉक्स में जो भी बॉल्स का कन्फिग्रेशन है वो सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉल्स आपके इंटैक्ट है, सेम है, क्योंकि आपने ये काम विद रिप्लेसमेंट के साथ किया है। आई होप दिस मेक्स सेंस। आगे चलते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि दोनों ही बॉल्स आपकी रेड हैं, ओके जी। सेकेंड केस में आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि पहली बॉल ब्लैक है एंड दूसरी बॉल रेड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। और तीसरे केस में आपको प्रोबेबिलिटी बताना है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या लगता है कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है? क्या ये क्वेश्चन आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है? क्या ये क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी का है? क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं? येस, डेफिनेटली दे आर टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसके लिए हमारे पास दो हिंट हैं। सबसे पहले आप दो बॉल्स को बाहर निकाल रहे हो, साइमल्टेनियसली दो इवेंट परफॉर्म हो रहे हैं, और साथ में ये कार्यक्रम विद रिप्लेसमेंट के साथ हो रहा है। दैट मीन्स द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हमको याद रखना है कि एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलो जी, तो सबसे पहले पार्ट पे चलते हैं अपन, जो कहता है आपसे कि प्रोबेबिलिटी निकालो आप कि बोथ बॉल्स आर रेड। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड, है ना जी। तो हमने कहा ठीक है भैया, बोथ बॉल्स आर रेड का क्या मतलब है, आप लिखेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकेंड बॉल इज रेड, ठीक है ना जी। सो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकेंड बॉल इज रेड, दोनों ही बॉल्स रेड है, तो पहली भी लाल आ जाए, दूसरी भी लाल बॉल आ जाए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल इज रेड एंड का मतलब इंटरसेक्शन, यहां पे लिखेंगे सेकेंड बॉल इज रेड, ठीक है ना। एक बॉल आपने बाहर निकाली क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट विद रिप्लेसमेंट के साथ हो रहा है, तो जब दूसरी बॉल को बाहर निकालने जाओगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, है ना। तो आप इसको ऐसा तोड़ के लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल इज रेड इनटू प्रोबेबिलिटी सेकेंड बॉल इज रेड, है ना जी। ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं अपन इसको, प्रोबेबिलिटी कि पहली बॉल रेड है इनटू प्रोबेबिलिटी सेकेंड बॉल इज रेड। अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि पहली बॉल रेड कलर की आ जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सो वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो पहली बॉल रेड आ जाए, हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर, 10 रेड बॉल्स आर देयर, एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर कितनी, 18, तो 10/18। तो मेरी पहली बॉल रेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 10/18 है।
मान लो पहली बॉल रेड आ गई, तो क्या उसे फेंक देना है क्या आपको, क्रिकेट खेलना है क्या? नहीं, आपको क्या करना है, पहली बॉल रेड आ गई, अच्छा ठीक है, दोबारा बैग में डाल देना है। तो जब आप दूसरी बार इस बैग में से रेड बॉल निकालने जाते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगेन नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो दूसरी बार में नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने होंगे जी, 10, और टोटल बॉल्स कितने हैं, 18, सो 10/18। वाई दूसरी बार में कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट था, पहली बार आपने रेड बॉल निकाली, अच्छा ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी 10/18 थी, दोबारा आपने बैग में डाल दिया, जब दोबारा आपने उस बॉल को बैग में डाला तो अगेन आपके पास 10 रेड बॉल है, 8 यार मैंने ब्लैक बॉल लिख दिया ना, आपने रोका भी नहीं मुझको, हाउ मैनी ब्लैक बॉल्स आर देयर मैम, हम चिल्ला तो रहे थे लेकिन आप तक हमारी आवाज़ पहुँची नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो पहली बार जब मैंने रेड बॉल निकाला है ना जी, पहली बार जब मैंने रेड बॉल निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी 8/18, अगेन बॉल अगर बाहर आ गई तो बैग में डाल दिया, दूसरी बार जाती हूँ इस बैग के पास तो कॉन्फ़िगरेशन वही है आपका, अगेन 8 रेड बॉल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 18 है, सो 8/18। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर देंगे ना तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 2 4s are 8, 2 9s are 18, 2 4s are 8, 2 9s are 18, ये क्या होगा जी, 4 4s are 16, 9 into 9 81, 4 into 4 is 16, 9 9s are 81, तो 16/81, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कि बोथ बॉल्स आर रेड इज 16/81, राइट, क्लियर है, और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, नहीं, इतना काफ़ी है। तो पहला पार्ट सबको समझ में आ गया, अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं अपन। सेकंड पार्ट आपसे कहता है कि भैया प्रोबेबिलिटी बता दो कि जो फर्स्ट बॉल है आपकी, है ना जी, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड, ठीक है, अगेन विद रिप्लेसमेंट के साथ काम हो रहा है, दैट मीन्स इसको आप ऐसा लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल ब्लैक है एंड का मतलब इंटरसेक्शन, सेकेंड बॉल रेड है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इसको ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं, फर्स्ट ब्लैक सेकेंड रेड की प्रोबेबिलिटी, है ना जी, ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट है, विद रिप्लेसमेंट के साथ काम हो रहा है। अब उस बॉक्स के अंदर 10 ब्लैक बॉल्स थी, 8 रेड बॉल्स थी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 18 थी, है ना जी, तो पहली बॉल ब्लैक आ जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कितनी ब्लैक बॉल्स हैं आपके पास, आपके पास 10 ब्लैक बॉल्स हैं, टोटल 18 है, इनटू दूसरी बॉल आपकी रेड आ जाए तो हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर, 8 एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 18, क्योंकि अगेन अगर पहली बॉल ब्लैक आ भी गई है तो आपने उसको देख के बॉक्स में डाल दिया है, बॉक्स में फिर से नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, 18। जब बॉक्स के पास दूसरी बार जाते हो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने तो कितनी रेड बॉल्स हैं, 8 एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 18, तो ये आ गया आपके पास, इसको सिंप्लीफाई कर लो आप लोग तो क्या आएगा, ये आएगा आपके पास 2 5s are 10, 2 9s are 18, 2 4s are 8, 2 9s are 18, यानी कि 20/81। किसी ने एक चीज़ नोटिस की इस क्वेश्चन में, क्या यहाँ पे ना ऑर्डर मेंशन था कि आपको किस सीक्वेंस में बॉल बाहर निकालना है, ऑर्डर वॉज मैंशनड, है ना, कि भैया पहली बॉल ही ब्लैक होना चाहिए, दूसरी बॉल रेड होना चाहिए, सब कुछ लिखा था, तो पहली बॉल ब्लैक निकालोगे, दूसरी बॉल रेड निकालोगे, यहाँ पे ऑर्डर मेंशन है। लेकिन जब आप क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हो ना तो क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि वन ऑफ देम इज़ ब्लैक एंड अदर इज़ रेड, वन ऑफ देम इज़ ब्लैक एंड अदर इज़ रेड, तो थर्ड केस आपसे कहता है कि प्रोबेबिलिटी One of them is black and other is red. ठीक है, क्या कहता है ये, One of them is black and other is red. दो बॉल्स निकालनी है, कोई एक ब्लैक हो दूसरी रेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 3 में इन लोगों ने ऑर्डर मेंशन नहीं किया, सीक्वेंस मेंशन नहीं किया, सिर्फ लिख दिया है कि वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, तो भैया ब्लैक पहली बार भी आ सकती है, दूसरी बार भी आ सकती है ना, पोजीशन मेंशन नहीं किया, बस लिख दिया है कि
कि वन ऑफ देम इज़ ब्लैक एंड अदर इज़ रेड, तो दो बॉल्स निकाल रहे हो, पहली ब्लैक दूसरी रेड या पहली रेड दूसरी ब्लैक, कुछ भी हो सकता है ना, सीक्वेंस मेंशन नहीं किया। तो जब ये लोग सीक्वेंस मेंशन नहीं करते तब आपको जितने भी पॉसिबल सीक्वेंस हो सकते हैं राइट, वो आपको लिखना होता है, उनकी प्रोबेबिलिटीज आपको लिखनी पड़ती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ऑर्डर से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो एक बात सुनो मेरी, जब आप सिक्के को टॉस करते हो है ना, जब आपने अपने कॉइन को टॉस किया, दो कॉइन को टॉस किया, तो एक पे हेड आया दूसरे पे टेल आया, एक आउटकम आप HT लिखते हो, एक आउटकम आप TH भी तो लिखते हो राइट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एक छोटी सी बात, कि जब क्वेश्चन वाले सीक्वेंस को मेंशन नहीं करते हैं, जब क्वेश्चन वाले सीक्वेंस को मेंशन नहीं करते हैं और आप दो या तीन बॉल्स ऐसे बाहर निकाल रहे हो, तो उसमें फिर आपको अपने आप से सीक्वेंस लेना पड़ता है। जैसे इन्हें कह दिया कि वन ऑफ देम इज़ ब्लैक एंड अदर इज़ रेड, तो भैया दो बॉल्स निकाल रही हूँ मैं, तो हो सकता है पहली ब्लैक दूसरी रेड आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहली रेड दूसरी ब्लैक आ जाए। तो इफ़ दे हैव नॉट मेंशन सीक्वेंस देन यू हैव टू टेक सीक्वेंस। ओके जी, क्वेश्चन नंबर टू में देखो, हमें कोई टेंशन ही नहीं थी क्योंकि इन्हें क्लियरली कह दिया था कि भैया पहली ब्लैक है दूसरी रेड है, एकदम साफ साफ लिख दिया था। क्वेश्चन थ्री में क्या कह रहे हैं कि भैया वन ऑफ देम इज़ ब्लैक एंड अदर इज़ रेड, लेकिन कौन सा सीक्वेंस मेंशन नहीं किया, तो आपको सीक्वेंस लेना होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम अगर अपने शब्दों में लिखें तो हम इसे लिखेंगे भैया देखो जी, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ब्लैक एंड एंड मतलब इंटरसेक्शन सेकेंड रेड, और प्रोबेबिलिटी फर्स्ट रेड एंड सेकेंड ब्लैक। ठीक है ना जी, ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं अपन कि भैया पहली ब्लैक दूसरी रेड आई हो, या फिर पहली रेड दूसरी ब्लैक आई हो, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ब्लैक, प्रोबेबिलिटी सेकेंड रेड, और मतलब प्लस प्रोबेबिलिटी फर्स्ट रेड एंड सेकेंड ब्लैक, ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं अपन, अपन ने तोड़ के लिख दिया। ओके जी, अब पहली बॉल ब्लैक आ जाए तो हाउ मेनी ब्लैक बॉल्स आर देयर, 10, टोटल बॉल्स कितनी है 18 इनटू, अब मान लो अगर ब्लैक बॉल आ गई ना, तो आपने उसको निकाल के दोबारा बैग में डाल देना है, तो जब दूसरी बार बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो सीक्वेंस, तो मतलब नंबर ऑफ बॉल्स में कोई कमी नहीं आई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी सेकंड रेड हो, तो कितनी रेड है बेटा 8, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 18 ही है क्योंकि विद रिप्लेसमेंट काम हुआ है, प्लस फर्स्ट रेड आ जाए, पहली रेड आ जाए, हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर 8, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 18, दूसरी आपकी बॉल ब्लैक आ जाए तो कितनी ब्लैक है आपके पास 10, टोटल कितना है 18। ठीक है, चेक कर लिया सबने, अब क्या करें अपन, अब एक काम करो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम ही है भैया, है ना जी, और 10 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 10, ये भी सेम है, बाहर ले लेते हैं इसको, तो ये आएगा अपने पास 10/18 इंटू 8/18, और यहाँ पे 1+1 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, कैंसिल कर दें इसको, तो ये क्या आएगा 2 1 2 9 18, है ना, 2 1 2 9 18, ठीक है, यहाँ पे 2 4 8, 2 9 18, तो ये आएगा आपके पास 40/81, तो 40/81 इज द प्रोबेबिलिटी कि वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को तोड़ के समझना था बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे ही लॉजिक लगता है, दोनों रेड है तो कोई समस्या नहीं है, फर्स्ट ब्लैक सेकेंड रेड सीक्वेंस मेंशन है, थर्ड केस में सिर्फ लिख दिया है कि वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, लेकिन सीक्वेंस मेंशन नहीं किया है, तो आप सभी पॉसिबल सीक्वेंस को लोगे, उनकी प्रोबेबिलिटीज लिखोगे, यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट था तो इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट थे, कोई समस्या नहीं था, एक बार बॉल निकालने के बाद जब दूसरी बार बॉल निकालने जाते हो तो नंबर ऑफ बॉल्स आपके बैग में सेम ही रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब बॉल निकाला दोबारा उसमें डाल दिया था, उसके बाद आप अपने बैग के पास गए और फिर से आपने बॉल निकाली, तो इसीलिए यहाँ पे
ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हुआ है. आई विश ये क्वेश्चन क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन 9. डन. चलिए जी आगे देखते हैं अगला सवाल. क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है. प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली. इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व. एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या डेटा गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 and 1/3. ठीक है ना. तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि लेट ई बी द इवेंट, ए सॉल्व्स द प्रॉब्लम. ओके, लेट एफ बी द इवेंट, बी सॉल्व्स द प्रॉब्लम. ठीक है जी, राइट. ओके, सो यहां पे आपके पास गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 and 1/3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 1/3. ठीक है. So, probability of solving specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3. E solve कर ले problem, उसकी A solve कर ले problem, उसकी probability है 1/2. B solve कर ले problem, उसकी probability है 1/3. फिर क्या कहते हैं ये? If both try to solve the problem independently, अगर दोनों independently problem को solve करें, इसका मतलब ये है कि एक problem मैं solve कर रही हूँ और एक problem मेरी friend solve कर रही है. ठीक है. अब हम दोनों को एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम दी है सॉल्व करने के लिए. अब मेरी फ्रेंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. या फिर अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं तो मेरी फ्रेंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इन द सेंस ये कि अगर दो इंसान प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं? इंडिपेंडेंटली. अगर ये सॉल्व कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सॉल्व नहीं कर पाएगा या फिर ये सॉल्व कर पाएगा. दे आर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली. इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने से इसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, क्लियर है सबको? तो सबका अपना अपना ज्ञान है. प्रॉब्लम आपके सामने है, सॉल्व करो. अगर मान लो मैंने सॉल्व कर लिया प्रॉब्लम, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट. सो यहाँ पे क्या है, द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूँ, दोनों एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. किसी एक ने अगर प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया कि तुम सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ऑल गुड. हमें तो बस इंडिपेंडेंट शब्द को सुन के खुश हो जाना था. क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है और हम जानते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है और हमें अगर दो इवेंट की ऐसी प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो इसको हम इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं. ये बात कौन कौन मानता है? सही बात है. क्यों ऐसा क्यों तोड़ के लिख सकते हैं? क्योंकि यार क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया कि इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. तो अगर कहीं ऐसा सिनेरियो आ गया जहाँ पे हमें इस टर्म की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी, तो हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं, सिंस द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, राइट. चलिए जी, पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है. सो प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? मान लो ये मैं हूँ, ये मेरी फ्रेंड है, ठीक है. दोनों को क्वेश्चन दे दिया है सॉल्व करने के लिए. इंडिपेंडेंट है, मैं सॉल्व करूँ तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये सॉल्व कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती. ये सॉल्व करती है तो मेरी प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देखा जाएगा मैं सॉल्व कर पा रही हूँ या नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ. ठीक है, द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. अब इन्हें कहा है कि भैया प्रोबेबिलिटी बता दो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है? जब हम दोनों में से कम कोई एक सॉल्व कर दे, है ना. हम दोनों में से कम कोई एक इंसान सॉल्व कर दे प्रॉब्लम, एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम. तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है जी, राइट. सो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम. ठीक है, अब एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम का मतलब क्या है? या तो मैं सॉल्व कर लूं, ये सॉल्व नहीं कर पाए, या तो ये सॉल्व कर ले, मैं सॉल्व नहीं कर पाऊं.
या फिर हम दोनों सॉल्व कर लें, एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब क्या है, कोई कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा दोनों भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो यहां पे इन्हें कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, सो इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम को हम ऐसा लिख सकते हैं, वन माइनस प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, ठीक है ना, वन माइनस प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, निकाल सकते हैं ना ऐसा, अगर कभी भी ऐसा एटलीस्ट वन का निकालना है तो आप ऐसा निकाल लो, वन माइनस प्रोबेबिलिटी नन, एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी निकालना है सो वन माइनस प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, सो नन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि भैया ना तो ए सॉल्व कर पाया और ना ही एफ, मतलब ना ही बी सॉल्व कर पाया, ई इज द इवेंट कि ए सॉल्व द प्रॉब्लम, बी इज द इवेंट, एफ इज द इवेंट कि बी सॉल्व द प्रॉब्लम, मैंने कहा कि प्रॉब्लम इज सॉल्व इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, और कभी भी एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन कर दिया करो, वन माइनस प्रोबेबिलिटी कि ना तो आपका ए सॉल्व कर पाया है और ना ही आपका बी सॉल्व कर पाया है। इवेंट्स कैसे हैं आपके, इंडिपेंडेंट है, तो अगर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है तो ऑटोमेटिकली ई डैश एंड एफ डैश भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो इसको आप ऐसा तोड़ के लिख सकते हो, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ई डैश इनटू प्रोबेबिलिटी एफ डैश, है ना जी, ई एंड एफ अगर इंडिपेंडेंट है तो ई डैश एंड एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश को हम ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, ऑल गुड। अब आप देख सकते हो कि आपके पास तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश तो था नहीं, क्या आप में से कोई बता सकता है कि ई डैश की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी मेरे पास, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का होना प्लस उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी का ना होना इज इक्वल टू वन, कॉम्प्लीमेंट वाली थ्योरम हमने पढ़ी है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश विल बी इक्वल टू वन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या होगा जी, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो इसको लिख सकते हैं आप लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है आपके पास, हाफ है, वन माइनस हाफ, वन में से हाफ गया तो आपके पास क्या ही आएगा बेटा जी, आपके पास हाफ ही आएगा। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश क्या होगा, वन माइनस वन बाई थ्री, वन माइनस वन अपॉन थ्री, थ्री माइनस वन टू बाई थ्री, सो दिस इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री, ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश क्या आ रहा है, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, सो वन माइनस वन बाई थ्री, तो कितना आ रहा है, टू बाई थ्री आ रहा है, हमारे पास दोनों की प्रोबेबिलिटी आ गई, यहाँ पे रख दो आप, सो दिस इज वन माइनस हाफ इंटू टू बाई थ्री, टू से टू चला गया, है ना जी, तो आपके पास क्या आया, आपके पास वन अपॉन थ्री आया, वन माइनस वन बाई थ्री क्या होगा, थ्री माइनस वन टू बाई थ्री, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी टू अपॉन थ्री, तो प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व कैसे निकाला, प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, जब एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, एटलीस्ट वन वाली प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे आप, कि वन माइनस प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, है ना, कॉम्प्लीमेंट वाली थ्योरम से, नन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम का मतलब क्या है, ना तो ए सॉल्व कर पाया ना तो बी सॉल्व कर पाया, इवेंट्स कैसे थे, इंडिपेंडेंट, तो ई डैश एंड एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, उनको तोड़ के लिखा, कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से इनके डैश की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, तो मेरे पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाता है टू अपॉन थ्री, ओके। अब सेकेंड पार्ट कहता है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, क्या कहता है ये, प्रोबेबिलिटी कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स प्रॉब्लम, अब एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स प्रॉब्लम का क्या मतलब है, ये मैं हूँ, ये मेरी फ्रेंड है, या तो मैं सॉल्व कर लूँ ये सॉल्व नहीं कर पाए, या तो ये सॉल्व कर ले मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँ, है ना जी, सो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम का मतलब ये है कि या तो ए सॉल्व कर ले बी सॉल्व नहीं कर पाए, या तो ए सॉल्व नहीं कर पाए बी सॉल्व कर ले, सो एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम में आएगा प्रोबेबिलिटी ई ने सॉल्व किया लेकिन एफ सॉल्व नहीं कर पाया, या फिर मतलब प्लस कि भैया ये जो ई मतलब ए है वो सॉल्व नहीं कर पाया और बी ने सॉल्व कर लिया, है ना,
बी सॉल्व कर ले प्रॉब्लम को, उसके लिए हमने क्या लिया है इवेंट एफ। ए सॉल्व कर ले प्रॉब्लम को, उसके लिए हमने क्या इवेंट लिया है ई। तो हमने इस तरीके से लिख दिया एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि ई इंटरसेक्शन एफ डैश प्लस ई डैश इंटरसेक्शन एफ। या तो ए सॉल्व कर ले बी सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है, या फिर ए सॉल्व नहीं कर पाए लेकिन बी ने सॉल्व कर लिया। अब इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट हैं तो इनको तोड़ के लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। अगर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है तो इनके सारे रिश्तेदार इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। प्लस यहां पे लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है जी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है आपके पास, हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश क्या है आपके पास, 2/3। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या है आपके पास, हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है आपके पास, 1/3। तो कितना आ रहा है ये, 2 3 6, 1 2 2, 2 3 6, 1 1 1, 2+1, 3, सो 3/6। सो 3/6 का मतलब है 3 1 3 2 6, सो दिस इज हाफ, ठीक है। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया। ए सॉल्व कर ले बी सॉल्व नहीं कर पाए, या फिर ए नहीं कर पाए बी सॉल्व कर ले, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को टारगेट करना है, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आपको ना। क्वेश्चन में बस शब्दों को पकड़ना है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट कहा था तो उसके पीछे का लॉजिक था, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन, आई होप ये क्वेश्चन 9 क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, इन अ होस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम। फिर आपको ये कुछ कुछ प्रोबेबिलिटीज हैं जो फाइंड करना है। तो सबसे पहले आओ थोड़ा इवेंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो अपने पास एक हिंदी न्यूज़पेपर है और अपने पास एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है और बच्चे इन्हें रीड कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे क्या कि लेट ए बी द इवेंट, है ना जी, कि स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, ठीक है, क्लियर है। लेट ए बी द इवेंट कि स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। उसके बाद लेट बी बी द इवेंट कि स्टूडेंट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, स्टूडेंट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है जी, क्लियर है सबको। इसके बाद इनकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है कि 60% स्टूडेंट हिंदी न्यूज़पेपर को रीड करता है। एक काम करते हैं ना, कंफ्यूजन ना हो तो अपन ऐसे लिख देते हैं हिंदी एच और ई। लेट एच बी द इवेंट कि स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, लेट ई बी द इवेंट कि स्टूडेंट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या होगा जी, हाउ मेनी स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 60%, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 60/100, ठीक है। इतने बच्चे आप जो हैं प्रोबेबिलिटी है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर रीड करते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर को कितने बच्चे रीड करते हैं, 40%, प्रोबेबिलिटी लिखोगे तो 40/100, ठीक है। 20% ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो हिंदी एंड इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं अपने पास, 20%, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी, 20/100 हो जाएगी, ठीक है। तो ये डेटा मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हमने एक स्टूडेंट को पिक किया है, ओके, अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। मतलब आपको निकालना है कि वो बच्ची ना तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है और ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आप लोग भी 12th क्लास के जितने भी बच्चे हैं ना, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालो, राइट। तो यहाँ पे इन्हें क्या कहा है कि यार वो बच्ची ना तो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ती है ना ही इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ती है, शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। पहले केस में आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। दूसरे केस में इफ़ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, इफ़ का मतलब गिवन है, ये आपको गिवन है कि वो ना हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती हो।
इट इज गिवन, इफ का मतलब गिवन है कि हिंदी तो पढ़ती है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी पढ़ती हो, ये निकालो। थर्ड पार्ट कहता है कि इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये कह दिया कि भैया वो इंग्लिश न्यूज़पेपर तो पढ़ती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, तो वो हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ती हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये निकालना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है, हमको क्या क्या इसमें फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर ए पे। क्वेश्चन नंबर ए आपसे कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि शी नाइदर रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर नॉर शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। कैसे सॉल्व करूँ इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करूँ? क्या किस किस को ऐसा लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट वाला है, हिंदी न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर ये जो पढ़ रहे हो आप लोग, ये क्या ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं? हाउ मैनी ऑफ यू थिंक, क्या ये इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट हैं? एच इवेंट है कि हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है वो, ई इवेंट है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है वो। मेरा आपसे पूछना है क्या एच एंड ई इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं? कोई भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट तब कहलाते हैं जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एंड ई बराबर हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से। चेक कर लेते हैं एक बार अपन, जीरो से जीरो गया, टू वन ज़ा टू फाइव ज़ा टेन, सो दिस इज़ वन अपॉन फाइव। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या है, जीरो से ज़ीरो गया, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फाइव ज़ा टेन। ज़ीरो से ज़ीरो गया, टू टू ज़ा फोर, टू फाइव ज़ा टेन। ये तो किसी कीमत पे इससे बराबर नहीं है, है ना जी? बराबर है क्या, कट सकता है क्या ये, और क्या इसको काट के वन अपॉन फाइव ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते। मतलब क्या देख रहे हो आप कि यहाँ पे एच इंटरसेक्शन ई की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के बराबर नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट नहीं है, और अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो इनका कोई भी रिश्तेदार कैसा होगा जी, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, है ना? मतलब एच डैश ई डैश भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, एच एंड ई डैश, एच डैश एंड ई, ये सब में से कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एच एंड ई इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब मैम सिंपल सी बात ये है कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं लिख सकती, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकती हो क्योंकि इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट नहीं है। अच्छा जी, वेरी गुड। तो फिर क्या करें, कैसे लेकर आएँ इसकी प्रोबेबिलिटी? डी मॉर्गन्स लॉ, हम सबको डी मॉर्गन्स लॉ आता है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, H यूनियन E का डैश, H डैश इंटरसेक्शन E डैश को क्या मैं H यूनियन E का डैश लिख सकती हूँ? डेफिनेटली लिख सकती हूँ। फिर तो बच्चा बच्चा जानता है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का होना प्लस उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी का ना होना इज इक्वल टू वन। तो मुझको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई का डैश चाहिए, तो डेफिनेटली ये ऐसा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई का डैश इज इक्वल टू वन बाय कॉम्प्लीमेंट्री वाली थ्योरम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई डैश क्या होगा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई। किस किस को ये बात चमक गई, किस किस को ये बात समझ में आ गई? क्लियर है ना जी? ओके, सो अब क्या करें मैम, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई। अब ये तो बच्चा बच्चा जानता है इसका फॉर्मूला, इसे कैसे ओपन करोगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, और ये कर्ली ब्रेसेस कर दिया आपने बंद। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, दिस इज इक्वल टू वन माइनस व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज 60 अपॉन 100। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 40 अपॉन 100। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, 20 अपॉन 100। है ना जी, सॉल्व कर लो इसको। सो 1 माइनस 100 इज द एलसीएम, ठीक है, सो दिस इज 60, दिस इज 40, दिस इज माइनस 20। चेक कर लो सब लोग जल्दी से, 100 एलसीएम आ गया आपका, 60 प्लस 40 माइनस 20 कितना आ रहा है बेटा, ये 60 में से 20 गया, 40, 40 प्लस 40 80, तो ये आ रहा है आपके पास कितना, 80। ये जीरो से जीरो गया, यहाँ पे इसको कैसा लिख सकते हो आप लोग, इसको लिख सकते हो 2 4 8, 2 5 10, दिस इज 1 माइनस 4 बाई 5,
एलसीएम ले लो, 5 में से 4 गया 1, सो 1 बाय 5. तो प्रोबेबिलिटी कि वो स्टूडेंट ना तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रही है ना इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रही है, मतलब क्या पढ़ रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है जी, 1 बाय 5. ठीक है, तो अपने सब्जेक्ट्स के साथ साथ ना आप लोग भी न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, एकदम अपडेटेड रहना चाहिए करंट अफेयर्स से कि चल क्या रहा है. ओके, तो ये तो मैथ्स हो गया, लेकिन इसके साथ कम से कम आधा घंटा न्यूज़पेपर ज़रूर 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 पढ़ा करो, बाद में डेफिनेटली काम आएगा वो आपको. यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि वो बच्ची ना तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रही है ना इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1 बाय 5. हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सबसे पहले हमको लगा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिपेंडेंट हो, पर जब हमने चेक किया ना इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं निकले, इसका मतलब एच और ई इंडिपेंडेंट नहीं है, तो एच डैश ई डैश भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, एच डैश एंड ई भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, एच एंड ई डैश भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा. तो मैं इसको तोड़ के तो नहीं लिख सकती थी, तो अब क्या करूँ, तो मैंने डी मॉर्गन्स लगाया. डी मॉर्गन्स लगाया फिर तो ये सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट वाली प्रॉपर्टी लगा दी, और इसको तो ओपन करना जानते हैं, सारी प्रोबेबिलिटीज थी, सबको रखा, आंसर तक पहुँच गए. ठीक है, राइट, ओके जी. अब आते हैं इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे, दैट इज बी पार्ट पे. इफ़ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, बता दो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती हो. तो आपको लेके आना है इस क्वेश्चन में बी पार्ट में कि हिंदी न्यूज़पेपर वो पढ़ रही है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े. सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का लगाया फॉर्मूला आपने, डिवाइड कर दिया जो नीचे लिखा है उसकी प्रोबेबिलिटी से. ई इंटरसेक्शन एच की प्रोबेबिलिटी या एच इंटरसेक्शन ई की प्रोबेबिलिटी एक ही बात है, और वो बात क्या है जी, 20/100. तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इज 20/100 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, दैट इज इक्वल टू 60/100, दैट इज इक्वल टू 60/100. 100 से 100 चला गया, 0 से 0 चला गया, 2 ones are 2 threes are 6, यानी प्रोबेबिलिटी कि वो हिंदी न्यूज़पेपर तो पढ़ती है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3. तो ये क्वेश्चन का बी पार्ट हो गया. अब चलते हैं क्वेश्चन के सी पार्ट पे. क्वेश्चन का सी पार्ट आपसे कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच व्हेन ई हैज़ अकर्ड, तो वो इंग्लिश न्यूज़पेपर तो पढ़ती है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़े. तो अगेन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला probability of H intersection E divided by जो नीचे लिखा है उसकी probability. H intersection E की probability है 20/100, और English newspaper वो पढ़ती हो उसकी probability है 40/100. तो आप यहाँ पे लिखेंगे this is 40/100, 100 से 100 चला गया, 0 से 0 चला गया, 2 ones are 2 twos are 4. So this is probability of Hindi when she reads English newspaper. कितनी आ रही है, हाफ आ रही है. सो आई विश कि ये क्वेश्चन क्लियर है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग गया, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, डी मॉर्गन्स लगाया आपने, फिर कॉम्प्लीमेंट वाला फॉर्मूला लगाया, और फिर जाके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है उससे एक्सपेंड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. आई विश क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ. ठीक है, अच्छे से देख लो ये वाला कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हर जगह इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट नहीं लगाना है, पहले चेक कर लेना. या तो ये लोग डायरेक्टली लिख देते हैं कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर इन्हें नहीं लिखा तो आप चेक करेंगे, और चेक करने पे अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं आ रहा है देन यू हैव टू अप्लाई सम अदर मेथड. ठीक है, ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 11 बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये. अ पर्सन हैज़ अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक. ठीक है, प्रोबेबिलिटी कि स्ट्राइक होगी वहां पे इज 0.65. 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक. अच्छा, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है. इनने कहा है कि 0.80 प्रोबेबिलिटी है कि कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जी, 0.80. लेकिन ये प्रोबेबिलिटी कब की है, कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो जाएगा लेकिन कब, इफ देयर इज नो स्ट्राइक. अगर वहां स्ट्राइक नहीं है तो जॉब कंप्लीट हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.80. ठीक है, सो 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक. इफ मतलब गिवन यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी,
कि भाई अगर स्ट्राइक नहीं है तो जॉब कंप्लीट हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.80 एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक. और यहां पे लिखा है कि भाई अगर स्ट्राइक है तो जॉब कंप्लीट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.32 है. किस किस को ये बातें समझ में आ रही है? सबसे पहले लिखा था कि अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक. स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी है 0.65. ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि 0.80 प्रोबेबिलिटी है कि कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ, इफ मतलब स्ट्रोक, इफ देयर इज नो स्ट्राइक. ठीक है, फिर 0.32 प्रोबेबिलिटी है कि कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक. अगर स्ट्राइक है तो जॉब कंप्लीट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.32. ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है? अब आपको फाइंड करना है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. ठीक है, कुल मिला के अगर इसमें देखा जाए ना तो तीन इवेंट डिफाइन हो रहे हैं. सबसे पहला इवेंट है आपके पास यहाँ पे, लेट एस बी द इवेंट, ओके जी, कि देयर इज अ स्ट्राइक, स्ट्राइक है, उसके लिए मैंने एस इवेंट ले लिया. एक इवेंट मैंने एंड डिफाइन किया, देयर इज नो स्ट्राइक. और एक इवेंट मैंने डिफाइन किया सी, कि जॉब विल बी कंप्लीटेड. आपने इस क्वेश्चन में एक बात नोटिस करी, चाहे स्ट्राइक हो या स्ट्राइक ना हो तो भी जॉब तो कंप्लीट हो रहा है ना. इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि रास्ते अनेक हैं और मंजिल एक है. अगर स्ट्राइक होती है ना तो भी जॉब कंप्लीट हो रहा है, अगर स्ट्राइक नहीं है तो भी जॉब कंप्लीट हो रहा है, और हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जॉब कंप्लीट हो जाए. रास्ते अनेक मंजिल एक, दैट मींस लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. यहां पे क्या लगेगा जी? यहां पे लगेगा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी कि जॉब कंप्लीट हो जाए इज इक्वल टू, हमको ये फाइंड करना है. तो इसके लिए हमको ये डायग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा. सबसे पहले हम यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी कि देयर इज अ स्ट्राइक. स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.65 है. फिर इस एरो पे अपने आप से बातें करोगे क्या? आप कहोगे सुनो स्ट्राइक है लेकिन जॉब कंप्लीट हो गया है. तो स्ट्राइक है लेकिन जॉब कंप्लीट हो गया है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.32. यहां पे निकालना है कि प्रोबेबिलिटी देयर इज नो स्ट्राइक. मैम ये तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, स्ट्राइक ना होने की तो मैम प्रोबेबिलिटी गिवन ही नहीं है. तो मेरी बात सुनो, अपन सब जानते हैं कॉम्प्लीमेंट वाली प्रॉपर्टी. स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी कि स्ट्राइक नहीं है इज इक्वल टू 1. प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज अ स्ट्राइक प्लस प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो स्ट्राइक इज इक्वल टू 1. ठीक है जी, तो यहां पे हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी कि देयर इज नो स्ट्राइक एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि यहां पे स्ट्राइक है. तो यहां पे लिखोगे प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो स्ट्राइक इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज अ स्ट्राइक. स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी क्या है जी? 0.65. तो यहां पे आप लिखेंगे 1.00 0.65, कर दो माइनस बेटा जल्दी से इसको, तो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि वहां पे कोई स्ट्राइक नहीं है. ठीक है, यहां पे लिखोगे 10, यहां पे लिखोगे 9, यहां पे लिखोगे 0. 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3 एंड दिस इज 0. तो 0.35 आ रही है प्रोबेबिलिटी कि कोई भी स्ट्राइक नहीं है. सो प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो स्ट्राइक इज इक्वल टू 0.35. अब इस एरो को कंप्लीट करते हैं अपन कि सुनो स्ट्राइक नहीं है लेकिन जॉब कंप्लीट हो गया है, तो
तो स्ट्राइक नहीं है लेकिन जॉब कंप्लीट हो गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.80, ठीक है जी, 0.80। ये डायग्राम कंप्लीट हो गया आपका, फटाफट पूरा आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे प्रोबेबिलिटी की जॉब कंप्लीट हो जाए के लिए क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज अ स्ट्राइक, फिर बोलोगे प्रोबेबिलिटी स्ट्राइक है लेकिन जॉब कंप्लीट हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी कि स्ट्राइक नहीं है, फिर लिखोगे कि सुनो स्ट्राइक नहीं है लेकिन जॉब कंप्लीट हो गया है। सो यहाँ पे लिखोगे कि प्रोबेबिलिटी देयर इज अ स्ट्राइक, स्ट्राइक है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.65, तो यहाँ पे सिंपल 0.65 इनटू 0.32 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो स्ट्राइक 0.35 इनटू स्ट्राइक नहीं है लेकिन जॉब कंप्लीट हो गया है 0.80। सिंप्लीफाई कर लो जल्दी से इसको, तो ये आएगा 65/100 इंटू 32/100 प्लस 35/100 इंटू 80/100, ठीक है ना। कट कर लें क्या इसको, कट कर लें या फिर इंटू करके उसके बाद डेसिमल में लेकर आ जाएं, ठीक है चलो इंटू करते हैं। 65 × 32, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 13, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 19, 0, 6 7 8, 9 और 1 10, 2 0 8 0 डिवाइडेड बाय क्या है जो भी है बाद में देखा जाएगा, यहाँ पे लिखोगे आप 2 0 8 0 डिवाइडेड बाय, ठीक है 10,000 प्लस 35 × 8, 8 5s are 40, 8 3s are 24, 28 और ये रहा एक और 0 डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है जी फटाफट इन्हें ऐड कर ले। सो 2 0 8 0 प्लस 2 8 0 0, 2 0 8 0 प्लस 2 8 0 0 दिस इज इक्वल टू 0 8 8 4 8 0 0, तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग 4 8 8 0 डिवाइडेड बाय 10,000 जिसमें से एक ज़ीरो उड़ जाएगा, मेरे पास क्या आएगा जी, मेरे पास यहाँ पे आएगा 0.488, कितना आ रहा है 0.488, ये इसका ये उसका, ठीक है तो 0.488 ऑल गुड। तो ये आपका क्वेश्चन निपट गया। यहाँ पे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थी क्योंकि आप देख सकते हो रास्ते अनेक है मंजिल एक है, जॉब कंप्लीट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है, तो जॉब तो कंप्लीट यहाँ से भी हो सकता है यहाँ से भी हो सकता है, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो मैंने कहा ठीक है सारे रास्तों पे चल के ऐड करके बता देंगे, क्लियर है क्वेश्चन सबको। सो आई विश यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को ना पढ़ के थोड़ा सा अगर डिकोड कर लिया जाए ना चीज़ें कि बोलना क्या चाह रहे हैं राइट, तो बहुत आसान हो जाता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने सीखा है कि जब एक इवेंट हो गया है फिर दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछते हैं तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है जी। सो आई विश क्वेश्चन नंबर 11 डन है, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 आपके सामने है, गिवन 3 identical boxes 1, 2 and 3, आपके पास 3 डब्बे हैं, ठीक है बना लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स सेकेंड बॉक्स एंड थर्ड बॉक्स, ओके जी। तो दिस इज आर बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। गिवन 3 identical boxes 1, 2 and 3 ईच कंटेनिंग 2 coins, ठीक है दो दो कॉइन्स हैं सब में। इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन्स, यहाँ पे दोनों ही सिक्के गोल्ड के हैं। इन बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर कॉइन्स, ठीक है जी यहाँ पे दोनों ही सिक्के कैसे हैं आपके सिल्वर के हैं, सो 2 coins आर सिल्वर कॉइन्स। एंड इन बॉक्स 3 देयर इज 1 gold and 1 silver, एक गोल्ड है और एक आपका सिल्वर है, ठीक है। अ पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन, रैंडमली किसी भी इंसान ने एक डब्बा उठा लिया और उसमें से एक सिक्का निकाल लिया। इफ़ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, सिक्का किसका है जी गोल्ड का है, इफ गिवन स्ट्रोक के नीचे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो गोल्ड। एक सिक्का तो सोने का है वो तो आ गया है बाहर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस डब्बे में दूसरा सिक्का भी गोल्ड का हो, ठीक है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो
कि गोल्ड का सिक्का हो, है ना, 3 डब्बे हैं आपके पास, एक गोल्ड का सिक्का बाहर आ चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि डब्बे में दूसरा सिक्का भी गोल्ड का है, ये आपको बताना है। अब इनने बताया नहीं ना इस क्वेश्चन में कि कौन से डब्बे को उठाया है, बस इतना कह दिया है कि यार गोल्ड का सिक्का ना बाहर आ गया है, इन्हें क्या कह दिया कि गोल्ड का सिक्का बाहर आ गया है, लेकिन कौन से डब्बे को उठाया ये तो बताया ही नहीं। तो यहाँ पे जब आप डायग्राम बनाएंगे इसका, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनाएंगे, हमको नहीं पता ना कौन सा डब्बा उठाया है, लेकिन हमको बस इतना पता है कि गोल्ड का सिक्का बाहर आया है। हमने कहा ठीक है, बना लिया डायग्राम। अब यहाँ पे ये गिवन है, ये चीज़ तो गिवन है यहाँ पे कि गोल्ड का सिक्का तो बाहर आ चुका है, गोल्ड का सिक्का तो बाहर आ चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस डब्बे में, जो रैंडमली आपने कोई भी डब्बा उठाया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस डब्बे में दूसरा सिक्का भी गोल्ड का हो? ये तो हो चुका है, एक गोल्ड कॉइन तो आ गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरे डब्बे, उस डब्बे में भी एक और गोल्ड का कॉइन हो? तो यहां पे बेसिकली यहां से आप पीछे के डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन कौन सा डायरेक्शन लेना है आपको, कौन सा डब्बा लेना है जिसमें एक और गोल्ड का कॉइन हो? मैम डब्बे में से एक गोल्ड कॉइन तो बाहर आ चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस डब्बे में एक और गोल्ड का सिक्का हो? तो इसी बॉक्स के पास 2 गोल्ड कॉइन्स हैं, अगर इसमें से मान लो एक सोने का सिक्का निकाल लिया होगा, तो इसी में से ही हम दूसरा सोने का सिक्का निकाल सकते हैं ना। इन्हें पूछा है ना व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड, सिंपली आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि सुनो एक सोने का सिक्का तो आ गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने बॉक्स 1 को उठाया था, क्योंकि दूसरा सोने का सिक्का तो सिर्फ आपके पास बॉक्स 1 में ही है, बॉक्स 2 में तो एक भी सोने का सिक्का नहीं है, बॉक्स 3 में आपके पास एक गोल्ड है एक सिल्वर है, अगर एक गोल्ड का सिक्का आ चुका है तो दूसरा तो गोल्ड यहाँ से निकलने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये आपसे क्या पूछ रहे हैं कि रैंडमली हमने जो डब्बे उठाए हैं उसमें से हमने एक सिक्का निकाला वो गोल्ड का आ गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके उस डब्बे में एक और गोल्ड कॉइन है? तो ये बेसिकली आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने पहले डब्बे को उठाया है, क्योंकि पहले डब्बे में ही 2 सोने के सिक्के हैं, अगर एक आ गया है तो दूसरा भी इसी से आ सकता है ना। तो आप यहाँ पे बेसिकली चाह रहे हैं आपसे कि मान लो ये इवेंट E1 है, ठीक है, कि बॉक्स 1 को पिक किया, ये इवेंट E2 है कि बॉक्स 2 को पिक किया, ये इवेंट E3 है कि बॉक्स 3 को पिक किया, तो एक गोल्ड तो आ गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके उस बॉक्स में एक और गोल्ड का कॉइन हो? मतलब आपसे पूछ रहे हैं कि एक सिक्का तो गोल्ड का आ गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला डब्बा उठाया था, क्योंकि पहले ही डब्बे में 2 सोने के सिक्के हैं, तभी दूसरा सिक्का भी सोने का यहीं से निकलेगा, बाकी किसी में सोने के सिक्के नहीं है, इसमें तो एक भी नहीं, इसमें एक है, वो तो पहले ही निकाल चुके हो ना, तो इसमें तो सोना आएगा नहीं बाहर, तो सोना किस में से बाहर आएगा? सोना बाहर आएगा पहले डब्बे में से, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पहुँच के पीछे की तरफ जा रहे हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स बेस थ्योरम। किस किस को ये बात समझ में आ गई है? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, यहाँ पे लाइन में थोड़ा खेल गया, थोड़ा इंग्लिश में खेल लिया है इन लोगों ने। अगर डायरेक्टली आप लोगों से ऐसा बोलते ना कि एक सिक्का सोने का आ गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि डब्बे 1 को उठाया था, तो सब लोग आसानी से चिल्ला के कह देते मैम बेस थ्योरम है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ा खेल गया ये लोग, इन्हें क्या कह दिया कि सुनो एक सिक्का तो सोने का आ गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि डब्बे में एक और सिक्का सोने का है, तो वो डब्बा कौन सा होगा जी? वो डब्बा पहला डब्बा होगा। तो बेसिकली चाह रहे हैं कि एक सिक्का तो सोने का आ गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि डब्बा 1 को उठाया है? ठीक है जी, क्लियर है सबको? चलो अब यहाँ पे फटाफट इवेंट्स को डिफाइन करते हैं अपन लोग। तो सबसे पहले लिख दो कि लेट E1 इज द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट बॉक्स, E2 इज द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग सेकेंड बॉक्स, E3 इज द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग थर्ड बॉक्स, A बी द इवेंट गोल्ड कॉइन इज ड्रॉन, गोल्ड कॉइन इज ड्रॉन। हमको क्या चाहिए कि सुनो यार गोल्ड कॉइन तो ड्रॉ हो गया है, पहले डब्बे को उठाया है, इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। बेस थ्योरम फॉर्मूला बनाए पहले अपन लोग, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? हमारा फेवरेबल क्या है कि पहला डब्बा उठाया हो, फिर आप अपने आप से बातें करोगे, सुनो भाई पहला डब्बा उठाया है, सोने का सिक्का आया था, अच्छा
नीचे लिख दोगे टोटल सभी रास्ते। पहला रास्ता कि हमने डब्बा वन को उठाया, बोलेंगे सुनो जी डब्बा वन को उठाया सोना आया। फिर बोलोगे डब्बा टू उठाया, फिर बोलोगे यार सुनो डब्बा टू उठाया सोना आया। प्लस यहाँ पे लिखोगे डब्बा तीन उठाया, फिर कहोगे कि सुनो भाई डब्बा तीन उठाया सोना बाहर आया। ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला बनाया, ठीक है मज़े मज़े में। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला बन गया। अब बस जाके आपको सारा डेटा रख देना है। हम डेटा कहाँ से मिलेगा? डायग्राम से मिलेगा। और डायग्राम कंप्लीट करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा? इवन क्या है कि डब्बा वन उठाया। हाउ मेनी डब्बा वन आर देयर? ओनली वन डब्बा वन, सो फेवरेबल इज वन एंड टोटल नंबर ऑफ डब्बाज आर थ्री, सो वन अपॉन थ्री, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सुनो डब्बा वन उठाया सोना बाहर आया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो डब्बा वन में कितना सोना है जी? टू सोना है, तो टू गोल्ड कॉइन्स फेवरेबल हो गए। एंड हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर? टू कॉइन्स आर देयर, सो टू बाई टू, और टू बाई टू तो वन होता है, यानी श्योर इवेंट है ये, है ना। फिर आ जाओ डब्बा टू के पास, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने डब्बा टू उठाया? तो कितने डब्बा टू हैं आपके पास? एक ही तो डब्बा है एंड टोटल नंबर ऑफ डब्बा सा थ्री, सो वन अपॉन थ्री। तो यहाँ पे लिखोगे वन अपॉन थ्री, तो बॉक्स टू को उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या है जी? वन अपॉन थ्री है। यहाँ पे बातें करोगे कि सुनो हमने ना बॉक्स टू को उठाया और उसमें से सोना बाहर आया, तो कितने सोने के सिक्के हैं बॉक्स टू में? अंडा। एंड टोटल सिक्के कितने हैं? दो, तो जीरो बाई टू इज जीरो ओनली। इसमें तो सोना है ही नहीं, इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम कैसे निकालेंगे सोना इसमें जब दो सिल्वर के कॉइन्स हैं, तो है ना। चलो आ जाओ नीचे लिखेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हमने डब्बा तीन उठाया? तो कितने डब्बे तीन है भैया? एक ही तो है और टोटल नंबर ऑफ डब्बा इज थ्री, सो वन अपॉन थ्री। यहाँ पे लिखोगे आप कि सुनो हमने ना बॉक्स थ्री को उठाया और उसमें से सोने का सिक्का बाहर आया, तो बॉक्स थ्री में कितना सोने का सिक्का है जी? एक सोने का सिक्का है एंड टोटल नंबर ऑफ सिक्काज आर टू, सो वन अपॉन टू। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब बस जाके हमको यहाँ पे फॉर्मूले में सब रख देना है। आओ रख दें जल्दी से फटाफट। सो दिस इज वन बाई थ्री इंटू वन, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वन बाई थ्री इंटू वन डिवाइडेड बाई वन बाई थ्री इंटू वन प्लस वन बाई थ्री इंटू ज़ीरो प्लस वन बाई थ्री इंटू हाफ। नहीं मानते तो चेक कर लो, सारा डेटा चेक कर लो आप लोग, ठीक है ना। चलो अब फटाफट सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, सो दिस इज वन अपॉन थ्री डिवाइडेड बाय वन अपॉन थ्री प्लस जीरो बाय थ्री प्लस वन अपॉन सिक्स। यहाँ पे समस्या हो गई, चलो ठीक है। जीरो बाय थ्री तो यार ज़ीरो होता है ना जी, ज़ीरो बाय थ्री तो ज़ीरो होता है। थ्री और सिक्स का एलसीएम तो सिक्स होता है, तो यहाँ पे सिक्स आया। थ्री टू ज़ा टू, वन ज़ा वन, टू प्लस वन थ्री बाई सिक्स, कितना आ रहा है? थ्री बाई सिक्स, इसको हम सिक्स बाई थ्री लिख सकते हैं। सो थ्री वन ज़ा थ्री टू ज़ा सिक्स, यानी कि टू अपॉन थ्री। कुल मिला के इसका आंसर टू अपॉन थ्री आया। कैलकुलेशन में तो आप लोग सुपर फास्ट हो। कितना आ रहा है जी? टू अपॉन थ्री आ रहा है, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन सबको? एक बार अच्छे से चेक करो, डायग्राम चेक करो जल्दी से। अपने पास आंसर आ रहा है टू अपॉन थ्री। कोई समस्या तो नहीं किसी को इस क्वेश्चन में? पहचानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर डायरेक्टली लिख देते ना कि सोने का सिक्का निकल चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉक्स वन में से आया था, तो किसी को समस्या नहीं होती। डायरेक्टली डिकोड कर लेते कि हाँ मैम हम यहाँ पहुँच के पीछे की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन, बी से बैकवर्ड पीछे की तरफ, और बी से ही बेस थ्योरम, तो बेस थ्योरम लगा देते। लेकिन हम थोड़ा ट्रिक से इनने हमसे बात करने की कोशिश करी। इनने कहा कि सुनो एक सिक्का तो सोने का आ गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बॉक्स में एक और सिक्का सोने का है? तो वो तो भैया पहले ही बॉक्स से संभव है। तो कुल मिला के इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉक्स वन उठाया था जब सोने का सिक्का निकल चुका है। सो आई होप क्वेश्चन 12 क्लियर है। अच्छे से स्क्रीनशॉट लो। मैम डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या? हाँ जी डायग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। सपोज दैट द, ये वाला क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझना। काफ़ी ऐसा लगता है पढ़ के कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब तोड़ तोड़ के पढ़ोगे ना इसको तो बहुत सिंपल लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ आ एच आई वी टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज, ठीक है। अब यहाँ से रीड करना चालू कर दो। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि ऑफ पीपल हैविंग एच आई वी 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज बट 10% गो अनडिटेक्टेड, ठीक है।
तो इनका कहना है कि ऑफ पीपल हैविंग एचआईवी, जिन भी लोगों को एचआईवी है, 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज. 90% जब उनके लिए टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है तो पॉजिटिव आते हैं वो लोग, ठीक है. बट 10% गो अनडिटेक्टेड, लेकिन जो 10% है वो अनडिटेक्टेड जाते हैं, ठीक है. क्या कहने का मतलब है? ऑफ पीपल हैविंग एचआईवी, जिन भी लोगों को एचआईवी डिजीज है, राइट, जब वो अपना टेस्ट करवाने जाते हैं तो ऐसा प्रोबेबिलिटी है, ऐसा पाया गया है कि 90% टाइम्स तो टेस्ट पॉजिटिव आता है, ठीक है. जो टेस्ट है वो डिजीज़ को पकड़ लेता है, बता देता है कि हाँ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. तो 90% तो भैया टेस्ट डिटेक्ट कर लेता है कि पॉजिटिव हो, लेकिन 10% टेस्ट डिटेक्ट नहीं कर पाता. मतलब ये कि उस इंसान को मतलब एचआईवी है, लेकिन 10% ऐसे चांसेस हैं कि उसका टेस्ट नेगेटिव आ जाए. टेस्ट की एक्यूरेसी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट. सो जिन भी लोगों को एचआईवी है उसमें से 90% लोगों का टेस्ट तो डिटेक्ट हो जाता है, वो पॉजिटिव पाए जाते हैं, और 10% उनका टेस्ट का रिपोर्ट नेगेटिव आता है, टेस्ट अनडिटेक्ट हो जाता है. गुड, चलिए जी. फिर ऑफ पीपल फ्री ऑफ एचआईवी, ऐसे लोग जिनको कोई एचआईवी नहीं है, ठीक है, कोई एचआईवी नहीं है, 99% ऑफ द टेस्ट आर जज्ड एज नेगेटिव. 99% ऑफ द टेस्ट आर जज्ड एज नेगेटिव. उनको कोई एचआईवी नहीं है, लेकिन जब उन्हें टेस्ट करवाया, ठीक है, तो ये पता चला कि टेस्ट का ये रिपोर्ट आया कि भैया 99% तो वो नेगेटिव ही शो करता है. एचआईवी नहीं है, 99% उसकी जो एक्यूरेसी है कि हाँ अगर नहीं है तो 99% नेगेटिव रिपोर्ट ही आएगी. बट 1% आर डायग्नोस्ड एज एचआईवी पॉजिटिव. एचआईवी नहीं था लेकिन 1% जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है. 1% क्या है? 1% आर डायग्नोस्ड एज शोइंग एचआईवी पॉजिटिव. ये कहानी सबको समझ में आई? क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे ये लोग आपको ना एक टेस्ट के बारे में बता रहे हैं. अच्छा, हम जानते हैं कि देखो टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है या तो पॉजिटिव आता है या तो नेगेटिव आता है, ठीक है. अगर किसी इंसान को डिजीज़ है तो पॉजिटिव आना चाहिए, अगर किसी इंसान को डिजीज़ नहीं है तो नेगेटिव आना चाहिए. लेकिन टेस्ट की एक्यूरेसी के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग. ऐसा होता है कि मान लो किसी इंसान को एचआईवी है, ठीक है, तो 90% तो टेस्ट उसका भैया पॉजिटिव ही आएगा, टेस्ट डिजीज़ को डिटेक्ट कर लेता है 90% चांसेस में. लेकिन 10% ऐसा होता है कि टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, टेस्ट डिटेक्ट नहीं कर पाता कि उसको एचआईवी है या नहीं है. फिर ऐसे भी लोग हैं जिनको एचआईवी नहीं है लेकिन उन्होंने जब टेस्ट करवाया, ठीक है, तो ये पता चलता है कि हाँ एचआईवी नहीं है, तो 99% तो भैया नेगेटिव रिजल्ट ही आएगा, लेकिन 1% ऊपर नीचे हो सकता है कि 1% यार पॉजिटिव दिखा दिया कि एचआईवी नहीं था, स्टिल पॉजिटिव दिखा दिया. टेस्ट की एक्यूरेसी के बारे में बात कर रहे हैं, गलती से गलत रिपोर्ट आ गई, ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये हमने चेक कर लिया. फिर आगे आते हैं अपन. फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव एचआईवी. हमने एक पॉपुलेशन उठाया, बहुत सारे लोग हैं इसमें. इस पॉपुलेशन में 0.1% लोग ऐसे हैं जिनको एचआईवी है, ठीक है. 1% इज सिलेक्टेड एट रैंडम. इस बड़ी सी पॉपुलेशन में हमको पता है कि 0.1% लोगों को एचआईवी है. इस बड़ी सी पॉपुलेशन में से हमने एक इंसान को उठाया, ठीक है. 1% इज सिलेक्टेड एट रैंडम गिवन द एचआईवी टेस्ट, और फिर उसका हमने टेस्ट करवाया एचआईवी का, ठीक है. एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम और हर एज एचआईवी पॉजिटिव. और भैया टेस्ट करवाया, पैथोलॉजिस्ट ने कह दिया कि भैया पॉजिटिव है. अब देखो दो घटना हो सकती थी. ये जो इंसान आपने पॉपुलेशन में से उठाया, यार इसको एचआईवी हो भी सकता था और एचआईवी नहीं भी हो सकता था, हमको नहीं पता. हमने तो बस उसका टेस्ट करवाया और पैथोलॉजिस्ट ने कह दिया कि भैया पॉजिटिव है. तो यार पॉजिटिव तो आप देख रहे हो, पॉजिटिव तो यार जब एचआईवी है तभी भी आ रहा है, जब एचआईवी नहीं है तभी भी शो कर देता है, ठीक है. तो यहाँ पे इस इंसान का जब टेस्ट करवाया एचआईवी,
उसको हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जब टेस्ट करवाया तो भैया टेस्ट तो पॉजिटिव आ रहा है। ये घटना तो घट गई कि हमने टेस्ट करवा दिया, पॉजिटिव आ गया है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज एचआईवी? ये पॉजिटिव तो आ गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको सच में एचआईवी था? आप यहां पहुंच गए हो, यहां से पीछे की डायरेक्शन में जा रहे हो। तो जब आप यहां से पीछे की डायरेक्शन में जाते हो तो बेस थ्योरम लगता है। किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे? अगर इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से टेबल बना के तोड़ मड़ोड़ के समझ लिया है ना, तो आपको मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। कुछ भी नहीं है, फिर डिजीज वाले कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, एचआईवी का क्वेश्चन आ जाए, टीबी का क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आप डिजीज का क्वेश्चन बना लोगे। बस आपको एक बात याद रखनी, कैसे टेबल बना लो, पहले समझ लो, पहले खुद क्वेश्चन को समझो और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करना है आपको। ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने इवेंट डिफाइन करोगे आप लोग? तीन इवेंट डिफाइन करोगे। पहला इवेंट होगा यहाँ पे आपका, पहला इवेंट होगा इवेंट ई, ठीक है। इवेंट ई शो करता है इवेंट दैट पर्सन हैज एचआईवी, पर्सन को एचआईवी है। इवेंट ले लेते हैं, चलो एफ ले लेते हैं, ई ले लिया इवेंट की पर्सन को एचआईवी है, एफ ले लो इवेंट कि जो पर्सन हमने उठाया है पॉपुलेशन में से हैज नो एचआईवी, उसको कोई एचआईवी नहीं था। और एक इवेंट ए ले लो कि इवेंट कि पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट एचआईवी पॉजिटिव, ठीक है। पैथोलॉजिस्ट ने तो कह दिया भैया एचआईवी है, पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट एचआईवी पॉजिटिव, मतलब पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट पर्सन हैज एचआईवी, ऐसा लिख दो, पर्सन हैज एचआईवी, ठीक है। डायग्राम बनाए अपन, आओ जरा डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले इस तरीके से, ठीक है भैया, यहां पे लिखोगे एचआईवी है, एचआईवी नहीं है। अब क्या है मतलब, रिपोर्ट में तो आ गया कि एचआईवी है, ठीक है। चलो सबसे पहले अब हमसे क्या कह रहे हैं ये लोग, ये हमसे कह रहे हैं कि क्या फाइंड करना है कि एचआईवी तो है, मतलब रिपोर्ट तो आ गई है, पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम और हर एज एचआईवी पॉजिटिव। पैथोलॉजिस्ट ने तो भैया कह दिया कि पॉजिटिव हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको सच में एचआईवी था? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको सच में एचआईवी था, ये आपको चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। पैथोलॉजिस्ट ने तो कह दिया पॉजिटिव हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको सच में एचआईवी था, ये आपको फाइंड करना है। हमने कहा ठीक है भैया, एकदम क्लियर है। कैसे निकालें अपन? सबसे पहले डायग्राम कंप्लीट करना होगा। इस डायग्राम में हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब क्या है, इवेंट पर्सन हैज एचआईवी, ठीक है। तो साफ साफ गिवन है कि इस पॉपुलेशन में 0.1% लोगों को एचआईवी है, तो 0.1% लोगों को अगर एचआईवी है तो इसको 0.1/100 ऐसा लिखा जाएगा। 0.1% लोगों को एचआईवी है मतलब क्या, 0.1/100, इसको अच्छे से लिखें तो ये डेसिमल यहाँ से हटा दो, सो दिस इज 1/1000, 1/1000 लोगों को एचआईवी है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि पर्सन सिलेक्टेड हैज एचआईवी। फिर यहाँ पे लिखोगे कि सुनो, पर्सन को जो सिलेक्ट किया है उसको तो एचआईवी है और उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल, हाँ चलो ठीक है, जिस पर्सन को हमने उठाया है उसको एचआईवी है, अब उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आए, तो आप जानते हो कि जिसको एचआईवी है उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है 90%, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, 90% विच इज इक्वल टू 90/100, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे कि भैया जिस इंसान को उठाया है उसको एचआईवी नहीं है, तो आप ये देख रहे हो कि 1/1000 लोगों को एचआईवी है, कितने लोगों को एचआईवी नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? वेरी सिंपल, एचआईवी का उल्टा है नॉट एचआईवी, है ना, एचआईवी है तो उसका उल्टा क्या होगा, नहीं है एचआईवी।
तो हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट वाला लॉ लग जाएगा. वी ऑल नो दैट प्रोबेबिलिटी की एच आई वी है प्लस प्रोबेबिलिटी की एच आई वी नहीं है दैट इज इक्वल टू वन. सो प्रोबेबिलिटी की एच आई वी नहीं है इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी की एच आई वी है. यानी आप लिखेंगे यहां पे वन माइनस वन अपॉन थाउजेंड. थाउजेंड में से एक गया, 999 डिवाइडेड बाय 1000. ये बात समझ में आ गई सबको? तो ये प्रोबेबिलिटी है कि लोगों को एच आई वी नहीं है. ठीक है, गिवन नहीं था क्वेश्चन में, खुद निकालना था तो इस तरीके से निकाला आपने. ठीक है, वही कॉम्प्लीमेंट वाले फॉर्मूले की हेल्प से आपने उसे फाइंड आउट किया. अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, डायग्राम कंप्लीट करेंगे. क्या कि हमने इंसान को उठाया, उसको एच आई वी नहीं है, लेकिन भैया पैथोलॉजिस्ट ने तो कह दिया पॉजिटिव हो. एच आई वी नहीं है लेकिन पॉजिटिव कह दिया, 1% यानी कि 1/100. चलो ये कंप्लीट हो गया, बेस थ्योरम लगा दे. पैथोलॉजिस्ट ने तो रिपोर्ट कर दिया क्या प्रोबेबिलिटी के सच में एच आई वी है, तो पीछे की तरफ जा रहे हैं यानी बेस थ्योरम लगाएंगे. तो आप यहाँ पे लगाएंगे बेस थ्योरम का फॉर्मूला. तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होगा, फेवरेबल क्या है कि एच आई वी है, फिर बातें करोगे सुनो एच आई वी है और रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई. फिर नीचे लिखोगे क्या कि प्रोबेबिलिटी एच आई वी है, फिर बोलोगे सुनो एच आई वी है और रिपोर्ट पॉजिटिव आई. प्लस लिखोगे प्रोबेबिलिटी कि एच आई वी नहीं है, फिर बोलोगे यार सुनो एच आई वी नहीं है लेकिन रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई. डेटा रख दो पूरा यहाँ पे, फटाफट कैलकुलेशन करके आंसर दे दो. तो क्या आएगा अपने पास, अपने पास आएगा 1/1000 इंटू 90/100. आप लिखेंगे यहाँ पे 1/1000 इंटू 90/100 डिवाइडेड बाय 1/1000 इंटू 90/100 प्लस क्या लिखा है आपके पास 999/1000 इंटू 1/1000 है ना, ऐसे कुछ था 1/100. ठीक है, चलो जी इसको सॉल्व करना है अपन को. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1000 इंटू 100 कॉमन लेके उड़ गए. तो यहाँ पे मेरे पास आता है 90/90 प्लस 999 दैट इज इक्वल टू 90/9, 9 + 9 = 18, 9 + 1 = 10. 90/1089 जिसका मन है सिंप्लीफाई करने का वो कर सकता है. तो ये प्रोबेबिलिटी है कि पैथोलॉजिस्ट ने पॉजिटिव कहा और इंसान को एच आई वी था, 90/1089. इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूरा डिकोड करना था. ये क्वेश्चन को ना अगर आप लोग ऐसे पढ़ोगे, कैसे, ऑफ पीपल हैविंग एच आई वी 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज बट 9% गो अनडिटेक्टेड, ऑफ पीपल फ्री ऑफ एच आई वी नहीं आएगा समझ में. ऐसे नहीं पढ़ना है आपको, आपको यहाँ पे चीज़ों को पहले से सेपरेट कर लेना है कि ये लोग किस किस के बारे में बात कर रहे हैं. इनका कहना है कि जिनको एच आई वी है जिनको एच आई वी नहीं है, ठीक है मैंने ऐसा कॉलम बना लिया एच आई वी है एच आई वी नहीं है. टेस्ट की बात कर रहे हैं तो टेस्ट में यार रिजल्ट पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है. तो जिनको एच आई वी है 90% लोगों का तो भैया टेस्ट ना डिटेक्ट हो जाता है, मतलब पॉजिटिव आ जाते हैं वो लोग, लेकिन 10% को नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है, जबकि उनको था एच आई वी तब भी 10% में रिजल्ट नेगेटिव आ गया. ठीक है, गलत रिजल्ट आ गया. फिर इन्हें कहा यार जिनको एच आई वी नहीं है 99% का तो नेगेटिव ही आता है कि नहीं है, हाँ 99% एच आई वी नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव करार नहीं देंगे उनको, लेकिन यार रिजल्ट है, टेस्ट है, साइंटिफिक इन्वेंशन से हो गई गड़बड़. तो यहाँ पे क्या हो गया, 1% ने कह दिया कि यार 1% को तो है जबकि बेचारों को नहीं था. ठीक है, अब इनने कहा कि एक पॉपुलेशन हमने ली, ये तो हमने टेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है कि जिनको एच आई वी है 90% पॉजिटिव 10% नेगेटिव, जिनको नहीं है 1% पॉजिटिव 99% नेगेटिव आ जाता है. ये पूरी कहानी समझाने के बाद फिर एक और नई कहानी बोलते हैं ये लोग, क्या कि एक पॉपुलेशन है जिसमें से 0.1% लोगों को एच आई वी है, 0.1% को एच आई वी है तो रेस्ट को एच आई वी नहीं होगा. अभी पूरा पॉपुलेशन सब मिक्सड है, हमने एक इंसान को उठाया उसका टेस्ट परफॉर्म करवाया और ये पाया गया कि भैया वो तो पॉजिटिव निकला. फिर हम जानते हैं यार पॉजिटिव तो भाई दोनों केसेस में निकलता है, एच आई वी हो तो भी पॉजिटिव निकल रहा है, एच आई वी नहीं हो तो भी पॉजिटिव निकल रहा है. तो इसका मतलब तो ये हुआ इस इंसान को जिसको हमने उठाया है जिसका टेस्ट परफॉर्म करवाया है वास्तविक में हो सकता है कि उसको एच आई वी हो या फिर ना हो, क्योंकि दोनों ही केस में रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है.
तो हमने देखा कि यार डिक्लेयर तो कर दिया है कि पॉजिटिव है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको सच में HIV था? मतलब पीछे की तरफ जा रहे हो, दैट मीन्स बेस थ्योरम। ठीक है, तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला बनाया, पूरा डेटा यहाँ पे रखा, कैलकुलेशन किया और आपके पास आपका आंसर आ गया। दिखने में है ये क्वेश्चन डिफिकल्ट, लेकिन डिजीज वाले क्वेश्चन होते बहुत सिंपल है। ठीक है, बस आपको तोड़ना है चीज़ों को, पढ़ना तो है ही उसको, लेंदी है, जितना लंबा क्वेश्चन होता है ना उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होता है, उतना सिंपल वो होता है। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन 13 क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, एन अर्न कंटेन्स 5 red and 5 black balls। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न। Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? Simple. देखो, ऐसे एक बार पढ़ोगे ना तो सब अन, बॉल, रैंडम यही समझ में आएगा। अब धीरे धीरे पढ़ते हैं इसको। ठीक है, क्या कह रहा है ये? An urn contains 5 red and 5 black balls. हमने कहा ठीक है, एक झोला बनाना है, बैग, आओ एक बैग बनाते हैं अपन। तो सपोज कर लो ये एक बैग है। ठीक है, इस बैग के अंदर 5 red balls हैं और 5 black balls हैं। हमने कहा ठीक है जी, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, हमने रैंडमली इसमें से अ बॉल निकाला। अ बॉल का मतलब है एक बॉल निकाला। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न्ड टू द अर्न। अब रैंडमली हमने इस बैग में से ना कोई बॉल बाहर निकाली, उसको देखा, उसके कलर को नोट किया और दोबारा इस बैग के अंदर डाल दिया। मतलब क्या किया, रैंडमली एक बॉल निकाली, देखा, कलर देखा, रख दिया। फिर मोर ओवर 2 additional balls ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। इतना ही नहीं, फिर जिस भी कलर की बॉल थी ना उसी कलर की 2 extra balls आपने इस बैग के अंदर दोबारा डाल दिया। ठीक है, हमने प्लस 2 balls ऑफ सेम कलर इस बैग के अंदर डाल दिया एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, और उसके बाद फिर हमने इस बैग में से एक बॉल निकाली, है ना, एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। इसके बाद सेकेंड टाइम्स हमने फिर इसमें से एक बॉल बाहर निकाली। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो सेकेंड बॉल निकली है वो रेड कलर की है? कुछ नहीं हो रहा है इसमें, देखो इमेजिन करते हैं, ये बैग था आपके पास, ठीक है ना, इसमें 5 red balls थी, 5 black balls थी। अब इसमें से पहले केस में फर्स्ट टाइम जब आप इसमें फर्स्ट ड्रॉ कर रहे हो ना तो आप इसमें से एक बॉल बाहर निकाल रहे हो और उसका कलर देख के दोबारा अंदर डाल रहे हो। फिर जिस भी कलर की आपने बॉल निकाली थी उसकी 2 extra color की बॉल और आपने डाल दी। मतलब क्या हुआ, पहला बैग था, फर्स्ट ड्रॉ में मैंने इस बैग में हाथ डाला, बॉल बाहर निकाली। अब जब फर्स्ट ड्रॉ में जब मैं इसमें से एक बॉल बाहर निकाल रही हूँ ना तो यार वो एक बॉल तो मेरी रेड कलर की भी हो सकती है और वो एक बॉल तो मेरी ब्लैक कलर की भी हो सकती है। इनने तो मेंशन नहीं किया, इनने तो बस इतना कह दिया है कि भैया फर्स्ट ड्रॉ में आप एक बॉल इसमें से निकाल रहे हो, उसका कलर देखा और दोबारा उसको बैग में डाल दिया। तो अगर आप लोगों ने पहले ड्रॉ में रेड कलर की बॉल निकाली, उसका कलर देखा, दोबारा बैग के अंदर डाला, तो आपने 2 red color balls और एक्स्ट्रा डाली। लिखा है ना उन्हें, मोर ओवर 2 additional balls ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। अगर मान लो आपने पहले ड्रॉ में ब्लैक बॉल निकाली थी, निकाला कलर, बॉल देखा, कलर, ठीक है, बैग में डाल दिया, फिर आपने 2 extra black color balls और डाल दी बैग के अंदर। मतलब मुझे नहीं पता कि पहले ड्रॉ में मैंने कौन सी कलर की बॉल निकाली, इनने बताया ही नहीं है। तो जब इनने नहीं बताया तो मैं सारे केस लूंगी, तो यार अगर रेड कलर की बॉल निकाली है पहली ड्रॉ में तो 2 extra red color की बॉल भी डाल दी है। पहले ड्रॉ में अगर ब्लैक कलर की बॉल निकाली है तो 2 मैंने फिर black ball भी उसके अंदर डाल दी एक्स्ट्रा, क्योंकि इन्हें लिखा है अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न। मोर ओवर 2 additional balls ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। उसके बाद फिर आता है सेकेंड ड्रॉ, ठीक है,
एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम. ये मिक्सचर करने के बाद फिर हमने इसमें से एक बैग एक बॉल निकाली. वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड? तो सेकेंड ड्रॉ में जो हमने बॉल निकाली इस बैग में से, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड कलर की आ जाए? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड कलर की आ जाए, ये आपको निकालना है. तो इसमें बेसिकली पता है दो काम हो रहे हैं. अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ ना, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा. कैसे? इनिशियली यहाँ पे आप ऐसा देखो, ठीक है, मान लो ये आपका बैग है. दिस इज फाइव रेड फाइव ब्लैक बॉल्स. अब इसमें से एक बॉल निकालिए बाहर. यार वो एक बॉल तो कुछ भी हो सकती है ना. वो एक बॉल तो यार रेड कलर की भी हो सकती है, ब्लैक कलर की भी हो सकती है. मान लो कि मैंने पहले अटेम्प्ट में, फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल बाहर निकाली. अगर रेड बॉल बाहर निकाली मैंने, तो उसको देख के दोबारा बैग के अंदर डाला, फिर यहां पे, फिर इस बैग में अगर रेड बॉल निकाली है, ठीक है, तो इस बैग में जहां पे पहले रेड बॉल और पांच ब्लैक बॉल थी, अगर रेड बॉल बाहर निकाला है तो दो एक्स्ट्रा रेड बॉल और डालिए, साथ में ये वाली बॉल भी डाल दिए. अगर इस बैग में से मैंने पहले अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्लैक बॉल बाहर निकाली है, तो उस ब्लैक बॉल को देख के बैग में डाल के दो एक्स्ट्रा ब्लैक बॉल और बैग में डाल दी है. इतना काम किया है मैंने. उसके बाद मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में, जब ये बैग का कॉन्फ़िगरेशन बदल चुका है, ठीक है, या तो मैंने यार रेड बॉल निकाली होगी तो रेड डालूंगी, या फिर हो सकता है कि अगर मैंने पहले अटेम्प्ट में ब्लैक बॉल निकाली है तो दो ब्लैक बॉल डालूंगी. अब इनने मेंशन नहीं किया तो मैं तो भैया दोनों केस लेके चलूंगी, ठीक है, तो ये या वाले केस हो गए. अब सेकेंड अटेम्प्ट में मैं फिर से बैग के अंदर हाथ डाल रही हूँ, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरी सेकेंड बॉल रेड आ जाए? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकेंड अटेम्प्ट में जो मैं बैग में हाथ डाल रही हूँ तो मेरी बॉल रेड आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यार अगर मान लो पहले अटेम्प्ट में मैंने रेड बॉल निकाली है, तो सेकेंड अटेम्प्ट में भी रेड बॉल आ सकती है ना. बैग के अंदर रेड बॉल तो कम नहीं होगी उतनी, वो तो है ही अपने पास. फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मैंने ब्लैक बॉल निकाली है, तो दो एक्स्ट्रा ब्लैक बॉल डालने के बाद भी मेरे बैग में रेड बॉल तो होगी ना, तो यार रेड बॉल तो मैं यहाँ से भी निकाल सकती हूँ. तो चाहे पहले अटेम्प्ट में मैंने रेड बॉल निकाल के दो रेड बॉल डाली हो, या फिर ब्लैक बॉल निकाल के दो ब्लैक बॉल डाली हो, दूसरे अटेम्प्ट में मेरे पास रेड बॉल दोनों ही रास्ते से आ सकती है. इस रास्ते से भी रेड बॉल मिल सकती है, इस रास्ते से भी मुझे रेड बॉल मिल सकती है. फाइनली आपसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल की, तो वो तो यही बात हो गई, रास्ते अनेक मंजिल एक, लगा दो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. सही बात है. तो यहाँ पे आप अपने इवेंट को डिफाइन कर दो. क्या? कि लेट आर वन बी द इवेंट दैट इन फर्स्ट ड्रॉ रेड बॉल इज ड्रॉन आउट, है ना. रेड बॉल इज ड्रॉन आउट इन फर्स्ट ड्रॉ. ठीक है जी. बी बी द इवेंट ब्लैक बॉल is drawn out in first draw. First draw का बड़ा confusion है कि कौन सी ball निकाली, mention नहीं किया इनने. तो हम भैया दोनों ही mention करेंगे. अगर red ball निकाली पहले draw में तो R1 है event, पहले draw में अगर black ball निकाली तो event B है, ठीक है. And let R2 be the event that in second draw रेड बॉल इज ड्रॉन. ठीक है, ये आपका R2 हो गया. लेट R2 बी द इवेंट दैट इन सेकेंड ड्रॉ रेड बॉल इज ड्रॉन. ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले आओ डायग्राम कंप्लीट करते हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल स्टार्टिंग में, जब पहली बार आप इस बैग में हाथ डाल रहे हो तो रेड कलर की बॉल बाहर आई हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो कितनी रेड बॉल है? पांच. टोटल बॉल्स कितनी है? 10. ठीक है, 5/10. फिर यहां पे लिखोगे कि सुनो, पहले अटेम्प्ट में ना रेड बॉल बाहर आ गई थी,
अब दूसरे अटेम्प्ट में रेड बॉल बाहर आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो अगर पहले अटेम्प्ट में रेड बॉल बाहर आई है तो मैंने इस बैग के अंदर 2 एक्स्ट्रा रेड बॉल्स डाली है, तो जब दूसरी बार मैं इस बैग में हाथ डालूंगी तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स विल बी 7 एंड ब्लैक बॉल्स कितने हैं? 5. 7 + 5 = 12. ठीक है, क्लियर है सबको? 7 × 12. फिर यहां पे प्रोबेबिलिटी कि पहले अटेम्प्ट में ब्लैक बॉल बाहर आई हो, तो कितनी ब्लैक बॉल्स हैं आपके पास? 5 एंड टोटल बॉल्स कितनी है? 10. फिर यहां पे लिखोगे क्या कि सुनो पहले अटेम्प्ट में ना ब्लैक बॉल बाहर आई थी तो दूसरे अटेम्प्ट में रेड बॉल बाहर आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इस बैग के अंदर जब पहले अटेम्प्ट में ब्लैक बॉल बाहर आ गई है तो दूसरे अटेम्प्ट से पहले इस बैग का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है. अगर पहले अटेम्प्ट में ब्लैक बॉल बाहर आई है तो 2 एक्स्ट्रा ब्लैक बॉल इसके अंदर डाला है. सो हाउ मैनी ब्लैक बॉल्स आर देयर? 7. तो 7 ब्लैक बॉल्स हो गई आपके पास, लेकिन रेड बॉल कितनी है? 5. तो अगर पहले अटेम्प्ट में ब्लैक बॉल आया है तो दूसरे अटेम्प्ट में रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? कितनी रेड बॉल्स है? 5. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई जी? 12. तो 5 × 12. कौन बोल रहा है 7 × 12? अरे भाई, रेड निकालनी है ना, रेड बॉल कितनी हो गई? रेड तो 5 ही है, ब्लैक का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है तो टोटल कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है. ठीक है, क्लियर है सबको? चलो बेटा, अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल. तो यार जो रेड बॉल सेकेंड ड्रॉ में आएगी ना बाहर, वो तो दोनों रास्ते से आ सकती है. देखो ना, रास्ते अनेक, मंजिल एक. अगर पहले अटेम्प्ट में रेड बॉल आई है तो दूसरे अटेम्प्ट में भी रेड बॉल आ सकती है. पहले अटेम्प्ट में अगर ब्लैक बॉल निकली है तो दूसरे अटेम्प्ट में भी रेड बॉल आ सकती है. तो रास्ते यानी एक, मंजिल एक. लगा दो फॉर्मूला लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का. क्या कहता है फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ इन टू प्रोबेबिलिटी कि भैया फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल आया, दूसरे ड्रॉ में भी रेड बॉल आ जाए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इन टू प्रोबेबिलिटी कि भैया पहले अटेम्प्ट में ब्लैक आया, दूसरे अटेम्प्ट में रेड आ जाए. ठीक है, डेटा रख दो आप लोग यहाँ पे सारा, जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन. सो कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 5/10 इंटू 7/12 प्लस 5/10 इंटू 5/12, है ना जी? 7 5 का क्या होता है जी? 35. 35 बाय, इसको और कट कर दें क्या? कर देते हैं ना. 5 1 5 2 10, ये होगा 5 1 5 2 10, 5 1 5 2 10. तो 7 + 5 है ना, 7 + 5 = 12. तो अपने पास 12 से 12 गया, 1/2 इसका आंसर आ रहा है. क्या आ रहा है आंसर? 1/2 आ रहा है. एक बार आप लोग चेक कर लेंगे. क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको, किस तरीके से यहाँ पे कहानी चल रही थी? यहाँ पे ना कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है. क्या हो रहा है इसमें? एक बैग था स्टार्टिंग में, कुछ बॉल्स थी उसके अंदर. फिर इन्हें सिर्फ इतना कह दिया कि यार हम ना एक बॉल बाहर निकाल रहे हैं, उसका कलर देख रहे हैं, उसको दोबारा डाल रहे हैं बैग के अंदर. फिर जिस भी कलर की बॉल थी ना वो, तो 2 एक्स्ट्रा उसी कलर की बॉल हमने बैग में डाल दिया. ये तो पहला ड्रॉ का काम हो गया. फिर जाके हमने दूसरे अटेम्प्ट में बॉल बाहर निकाली और रेड बॉल आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है. तो यार पहले अटेम्प्ट में आपने जो एक बॉल निकाली थी वो कौन से कलर की, ये बताया ही नहीं. तो हमने क्या सुनो, अगर पहले अटेम्प्ट में रेड बॉल आई है, कलर देखा, अंदर डाला, 2 एक्स्ट्रा रेड बॉल डाल दी, और उसके बाद फिर आप रेड बॉल निकाल रहे हो. ठीक है, पहले अटेम्प्ट में ब्लैक बॉल आई है, देखा कलर है ना, ब्लैक कलर की बॉल है, बैग में डाल दिया, 2 एक्स्ट्रा ब्लैक बॉल डाली, और फिर जाके आपने दूसरी बार रेड बॉल निकाली. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रास्ते तो अनेक है, चाहे आप पहले अटेम्प्ट में रेड निकालो बॉल या ब्लैक बॉल निकालो. ठीक है, मंजिल तक जाओगे तो फिर से रेड बॉल आपको दोनों ही रास्तों से मिल सकती है. बस यहाँ पे बैग का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बदल जाएगी. तो दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. आई विश ये क्वेश्चन क्लियर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट आप लोग लेंगे और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है. सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, ठीक है, इफ शी गेट्स 5 or 6 शी टॉसेस अ कॉइन 3 times and notes the number of heads. If she gets 1, 2, 3 or 4,
she tosses a coin once and notes whether a head or tail is obtained. If she obtained exactly one head, what is the probability that she threw 1, 2, 3 or 4 with the die? फिर से कहूँगी, एक बार अगर ऐसी पढ़ोगे ना तो पानी क्या कहना चाह रहे हैं ऐसा कुछ समझ ही नहीं आएगा, राइट? अब इसको तोड़ के पढ़ते हैं, ठीक है? सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, ठीक है? एक बच्ची ने डाइस को फेंका, कुछ नहीं, एग्जाम्स ख़त्म हो गए थे, बोर हो रहे थे, ठीक है, फ़ोन था नहीं, तो मम्मी ने कहा बेटा डाइस से खेल लो, राइट? तो डाइस को ऐसा थ्रो किया उसने. अब हम तो भाई मैथ्स वाले हैं, कुछ अच्छा ही गेम इन्वेंट करेंगे. तो क्या गेम इन्वेंट किया कि डाइस को फेंका, ठीक है, अगर इस डाइस पे 5 या 6 आ जाता है ना, 5 या 6 आ जाता है, तो भाई मैथ्स वाले हैं, कुछ नया काम करेंगे. क्या? अगर 5 या 6 आ जाता है तो शी टॉसेस अ कॉइन 3 times. तो अगर डाइस पे 5 या 6 आता है तो वो बच्ची कॉइन को 3 times टॉस करती है, ठीक है, अच्छी बात है. आगे सुनो, एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड, ठीक है. इफ शी गेट्स 1, 2, 3 और 4, अगर उसको 1, 2, 3 या 4 मिलता है, शी टॉसेस अ कॉइन वंस, वो कॉइन को एक बार टॉस करती है, ठीक है, शी टॉसेस अ कॉइन वंस एंड नोट्स वेदर अ हेड और टेल इज ऑब्टेन, और फिर पता करती है कि यार हेड आया कि टेल आया, ठीक है. इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 head, क्या हो रहा है जी? गेम ऐसा है, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, ठीक है, ठीके? ऐसा लिखा नहीं लेकिन मान लो, ठीक है, डाइस है, डाइस को थ्रो किया, 5 या 6 आता है ना, तो साइड में एक सिक्का रखा था, सिक्के को लिया, 3 बार टॉस किया, ठीक है. डाइस पे अगर 1, 2, 3, 4 आता है तो सिक्के को 1 बार टॉस किया, दैट्स इट. फिर क्या होता है? इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 head, अब उसको ना एग्जैक्टली 1 head मिल गया, शी गेट्स एग्जैक्टली वन हेड, ठीक है भाई. इफ शी गेट्स एग्जैक्टली 1 head, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1, 2, 3 और 4 विद द डाई? यार उसको ना सिक्के को टॉस करके एग्जैक्टली 1 head मिल गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने डाइस पे 1, 2, 3 और 4 को थ्रो किया है? ये आपको निकालना है. मतलब ये तो हो गया, ये इसके वजह से हुआ है, ये आपको बताना है. पीछे के डायरेक्शन में जा रहे हो, बेस थ्योरम लगाओगे, सही बात है. चलो जी, अब यहाँ पे जब ये कॉइन को 3 बार थ्रो करती है तो उसके सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, जल्दी से सैंपल स्पेस बना लेते हैं. हम सब बच्चे दिल के सच्चे ये बात जानते हैं कि जब कॉइन को 3 बार थ्रो करते हो तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस क्या होता है जी? 2 की पावर 3 not 6 it is 8, ठीक है, 8 आउटकम्स होते हैं. तो याद कराया ना फॉर्मूला, 2 की पावर n, n क्या है, कितनी बार फेंका एक कॉइन को, 3 बार फेंका, तो 2 की पावर 3 2 into 2 into 2 that is 8, 8 आउटकम्स आएंगे सैंपल स्पेस में जब कॉइन को 3 बार फेंकते हो. चलो 8 आउटकम्स बनाते हैं अपन. तो वो 8 आउटकम्स क्या क्या होंगे जी? हेड 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 टेल हेड टेल हेड, कॉमा, एच को रिप्लेस करो टेल से, टेल को रिप्लेस करो हेड से. लो भाई, बन गया इसका सैंपल स्पेस. अब जब कॉइन को 1 बार थ्रो किया तो इसके सैंपल स्पेस में क्या आएगा जी? हेड आएगा या तो टेल आएगा, एच टी. अगर कॉइन को 1 बार फेंका है तो एच या टी, हेड या टेल, ठीक है, ओके जी. अब इनने कहा है कि यार कुछ भी आया हो, जब कॉइन को इनने टॉस किया ना, तो वो बच्ची क्या देखती है कि एग्जैक्टली 1 head आया है. अब एग्जैक्टली 1 head तो आप देख सकते हो यहाँ से भी आ रहा है, एग्जैक्टली 1 head तो यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है, 1 head एग्जैक्टली 1 head तो आ रहा है. क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये एग्जैक्टली 1 head इसके वजह से आया है? यहाँ पहुँच गए हो, यहाँ इसके वजह से पहुँचे हो, ये बताओ. लाइक वी आर गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स बेस थ्योरम. क्या ये कंसेप्ट क्लियर है?
अब इसका एक अच्छा डायग्राम बनाएं, इवेंट्स को डिफाइन करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आप यहाँ पे इवेंट बनाएंगे, लेट ई बी द इवेंट दैट शी थ्रोज 5 or 6 ऑन द डाई, मतलब शी गेट्स, थ्रो क्या करेगी बच्ची, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट दैट शी गेट्स 5 or 6 ऑन द डाई, ठीक है, ऑन डाइस। लेट एफ बी द इवेंट शी गेट्स 1, 2, 3 or 4 ऑन डाइस, ठीक है। लेट एच बी द इवेंट शी गेट्स exactly one head, she gets exactly one head, ठीक है बेटा। डायग्राम कंप्लीट करें, अब आओ फटाफट डायग्राम कंप्लीट करते हैं, ठीक है, थोड़ा ऊपर कंप्लीट करते हैं। ओके, ई बी द इवेंट शी गेट्स 5 or 6 ऑन द डाई, F be the event, she gets 1, 2, 3, 4 on the dice, and H be the event, she gets exactly one head. सबसे पहले what is probability of E? Dice को एक बार फेंका है, 5 or 6 आ जाए, इसकी क्या probability होगी? 2/6. यहाँ पे लिखोगे कि सुनो, dice को एक बार फेंका, 5 or 6 आ गया, 5 or 6 आ गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको एग्जैक्टली एक हेड मिल जाए, ठीक है। तो जब डाइस में उसको 5 or 6 मिल गया, ठीक है, 5 or 6 मिल गया, क्या प्रोबेबिलिटी कि एग्जैक्टली वन हेड आ जाए? तो जब भी उसको डाइस पे 5 या 6 मिलता है तो वो कॉइन को 3 बार टॉस करती है। अब इसमें से देख लो एग्जैक्टली वन हेड कितने हैं, 1, 2, 3, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 8, सो 3/8। तो जब डाइस पे उसको 5 या 6 मिल गया तो आगे की कहानी क्या है, वो सिक्के को उठा के 3 बार टॉस करती रहती है, और वहीं से मम्मी सोच रही कि बच्ची को क्या हो गया, और बच्ची तो मैथ्स वाली है ना, तो क्या कर रही है बच्ची, वो कॉइन को 3 बार टॉस कर रही है। तो उस कॉइन को 3 बार टॉस करने पे एग्जैक्टली वन हेड कितनी बार मिलता है आपको जी, 3 बार मिलता है। एग्जैक्टली वन हेड कितनी बार मिलता है, 3 बार मिलता है। सो 3/ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8, सो 3/8 इज द प्रोबेबिलिटी। फिर यहाँ पे आ जाओ, प्रोबेबिलिटी कि उसको डाइस पे 1, 2, 3, 4 मिला, तो 1, 2, 3, 4 कितना है बेटा, 4, टोटल कितना है, 6, तो 4/6। फिर जब उसको डाइस पे 1, 2, 3, 4 मिला तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको एक हेड मिल जाए? तो हम जानते हैं कि जब उसको डाइस पे 1, 2, 3, 4 मिलता है तो वो कॉइन को 1 बार टॉस करती है, तो इस कॉइन को 1 बार टॉस करने पे एक हेड मिल जाए, एग्जैक्टली वन हेड। तो हाउ मेनी एग्जैक्टली वन हेड आर देयर, ओनली 1, सो 1/2। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। अब हमको क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, हमको चाहिए कि सुनो एग्जैक्टली वन हेड उसको मिल चुका है, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने डाइस पे 1, 2, 3, 4 फेंका था, है ना। If she gets exactly one head, what is the probability she threw 1, 2, 3, 4 on the die? तो यहाँ पे आपने लिख दिया कि if she gets exactly one head, क्या probability है कि dice पे 1, 2, 3, 4 मिला? आओ बेस थ्योरम को ओपन कर दें। तो फेवरेबल क्या है कि उसको डाइस पे 1, 2, 3, 4 मिला। बातें करो अपने आप से कि सुनो उसको डाइस पे 1, 2, 3, 4 मिला, फिर उसको हेड मिल गया। यहाँ पे लिखेंगे टोटल कि भैया डाइस पे 5-6 मिला, फिर बोलोगे सुनो डाइस पे 5-6 मिला तो हेड मिला, प्लस डाइस पे 1, 2, 3, 4 मिला, फिर बोलोगे कि सुनो यार डाइस पे 1, 2, 3, 4 मिला तो उसको एग्जैक्टली वन हेड मिला, ठीक है। फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया हमने, ठीक है, मैथ्स वाले ऐसे कैसे हार मान जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रखो सारी वैल्यूज आप लोग, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 4/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच व्हेन एफ हैज अकर्ड 1/2, यहाँ पे लिखेंगे 2/6 × 3/8 प्लस 4/6 × 1/2, कितना आ रहा है बेटा जी, कितना आ रहा है, मैम इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं, 2 1s are 2 4s are 8, सो दिस इज 2 1s are 2 4s are 8,
थ्री वन्स आ थ्री टूज आ सिक्स. यहाँ पे देखो 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 टू टूज आ फोर टू थ्री जा सिक्स. ठीक है सिंप्लीफाई कर लो अब इसको बस आप लोग. तो क्या आएगा ये फोर अपॉन बारह. यस इसको भी काटो ना थोड़ा सा. टू टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स. टू टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स क्या था वहाँ पे फोर बाई सिक्स था ना. तो मैंने कहा दिस इज टू टू जा फोर दिस इज टू थ्री जा सिक्स एंड टू वन जा टू मतलब सिर्फ वन अपॉन थ्री. और यहाँ पे भी तो वन अपॉन थ्री बच रहे हैं. वन अपॉन थ्री तो क्या आ रहा है मेरे पास वन अपॉन थ्री डिवाइडेड बाई वन अपॉन एट प्लस वन अपॉन थ्री. लेट अस टेक एलसीएम हेयर. तो यहाँ पे एलसीएम लोगे चौबीस आएगा एट थ्री ज़ा थ्री थ्री एट ज़ा एट वन ज़ा वन अपॉन थ्री. आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह बाई चौबीस सो वन बाई थ्री इंटू चौबीस बाई ग्यारह. थ्री वन ज़ा थ्री एट ज़ा सो एट बाई इलेवन. क्या आंसर आ रहा है बेटा इसका. इसका आंसर आ रहा है एट बाई इलेवन. कैलकुलेशन तो इतना मायने नहीं रखता. तुम लोग अच्छे से कर लोगे मतलब मायने रखता है पेपर के लिए लेकिन यहाँ पे तो फटाफट तुम लोग कर सकते हो. मेन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन क्या चाह रहा है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी पास्ट ईयर में बहुत बार पूछा गया है. ठीक है तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ था कि एक बच्ची थी वो डाइस को ना थ्रो कर रही थी. अगर उसको पाँच या छः मिलता है तो वो कॉइन को तीन बार टॉस करती है. तो अगर पाँच या छः मिलता है तो कॉइन को तीन बार टॉस करना मतलब टू की पावर थ्री यानी एट आउटकम्स एंड एट आउटकम्स हमने बना लिए. ठीक है फिर अगर उसको डाइस पे एक दो तीन चार मिलता है तो वो अपने कॉइन को सिर्फ और सिर्फ एक बार टॉस करती है. एक बार टॉस करेगी तो या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा. अब इसने कहा कि यार इफ़ शी ऑप्टेन एग्जैक्टली वन हेड. उसको एग्जैक्टली वन हेड मिल गया है. इफ़ शी ऑप्टेन एग्जैक्टली वन हेड ये घटना तो घट चुकी है. What is the probability that she threw 1, 2, 3 or 4 in the die? यहाँ से पीछे की तरफ जा रहे हो बेस थ्योरम लगा दोगे. ठीक है बस फिर क्या था हमने डिफाइन कर दिया इवेंट कि लेट ई बी द इवेंट शी गेट्स 5 और 6 ऑन द डाइस. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी 2 अपॉन 6 फेवरेबल टू है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डाई इज 6 तो 2 अपॉन 6. तो अगर उसको 5 या 6 मिलता है तो उसको हेड मिला हो एग्जैक्टली वन हेड. तो जब उसको 5 या 6 मिला है तो एग्जैक्टली वन हेड कितने उसके पास 1, 2, 3 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 8 सो 3 बाई 8. ना प्रोबेबिलिटी की यार उसको एक दो तीन चार मिला है. एक दो तीन चार मिलने की प्रोबेबिलिटी है 4/6 और अगर उसको एक दो तीन चार मिला है तो उसने कॉइन को एक बार टॉस किया है जिसमें एग्जैक्टली वन हेड इज 1 सो 1/2. अब ये आ चुका है इसके वजह से आया है ये बताना है. बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगाया वैल्यूज को रखा आंसर इज 8/11. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है. इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. डन विद दिस चलो फटाफट चलते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग अ रेंडमली सिलेक्टेड स्कूल डे. द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स कैन टेक द वैल्यूज हैज द फॉलोइंग फॉर्म वेयर के इज सम अननोन कांस्टेंट. तो ये बेसिकली रैंडम वेरिएबल्स हैं और ये उन रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटीज हैं. जब एक्स आपका 0 है तो प्रोबेबिलिटी 0.1 है. जब एक्स आपका 1 या 2 है तो प्रोबेबिलिटी आपका के एक्स है. ठीक है जब x आपका 3 या 4 है तो प्रोबेबिलिटी ये है और जब x आपका अदरवाइज है मतलब 5 6 7 कुछ होगा तो आपकी जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो 0 है. तो ये जो इस तरीके से गिवन है आओ इसको एक टेबल के फॉर्मेट में पहले बना लेते हैं. तो इसको जब आप टेबल के फॉर्मेट में बनाओगे ना तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा. यहाँ पे आप लिखेंगे अपने रैंडम वेरिएबल. ठीक है और यहाँ पे उन रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटीज़. तो इनने स्टार्टिंग की है कि x 0 है. हमने कहा ठीक है x अगर 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1 है. फिर x 1 अगर x 1 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है के एक्स मतलब के इंटू 1 दैट मीन्स के. अगर x 2 है अगर x 2 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है के एक्स. x क्या है 2 तो 2k हो जाएगा ये. फिर x अगर 3 है x अगर 3 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है के 5 माइनस एक्स. यहाँ पे x की जगह पे 3 रखोगे 5 में से 3 गया 2 मतलब 2k. x अगर 4 है तो भी यही प्रोबेबिलिटी है. यहाँ पे बस x की जगह पे आपको 4 रख देना है तो 5 माइनस 4 क्या होता है 1 तो 1 इंटू के इज k. और उसके बाद अगर 5 6 7 कुछ भी है तो अदरवाइज के लिए 0 है तो आगे तो प्रोबेबिलिटी 0 है. ठीक है भैया ऐसा कुछ टेबल बन गया. अब फर्स्ट केस में इनका कहना है कि आप हमको k की वैल्यू बता दो. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k. तो k तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ में लिखा है.
हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं उन सब का सम वन होता है। तो आपको यहाँ पे अगर के की वैल्यू चाहिए तो आप सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है उसे वन से इक्वेट करोगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटीज क्या क्या है मेरे पास, 0.1 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस k एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, के प्लस के 2k 4k 6k, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.1 प्लस 6k इज इक्वल टू 1। चेक करो एक बार, 2 और 2 4 5 6, 0.1 प्लस 6k इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 6k क्या आ रहा है आपके पास, 1 माइनस 0.1, इसका मतलब 0.9। तो k क्या आया आपके पास, 0.9। तो यहाँ से k क्या आ रहा है, 0.9 अपॉन 6, मतलब कितना होगा ये, 9 अपॉन 60। कट करके लिखो, 3 3 9, 3 2 6, 0। सो k आ रहा है 3/20। तो पहले क्वेश्चन में इन्हें कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k कितना है आपके पास, 3/20 आ रहा है, ठीक है, ये k की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट केस में इसके बी पार्ट में इन्हें क्या कहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स। बी पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट यू स्टडी एटलीस्ट टू आर। तो आप पढ़ते हो एटलीस्ट 2 आवर, आप पढ़ते हो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भैया आप 2 या 2 से ज़्यादा घंटे भी पढ़ सकते हो। वही बात है, पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए, 34 में फेल हो जाओगे क्या? तो एटलीस्ट 33 का मतलब क्या है, 33 से ज़्यादा, मिनिमम है 33। तो इन ऐसे ही का एटलीस्ट 2 आवर तो आप पढ़ते हो, मतलब मिनिमम 2 घंटा तो है ही, ज़्यादा आपका दिल खुश हो गया तो आपने ज़्यादा और पढ़ लिया, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 आवर्स यू स्टडी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चाहिए। इसको कैसा लिखोगे आप, कि भैया एक्स इक्वल टू 2 हो प्लस एक्स इक्वल टू 3 हो प्लस एक्स इक्वल टू 4। मैक्सिमम 4 घंटे तक पढ़ते हो, 5-6 घंटे बाद अदरवाइज लिख दिया है, जिसका मतलब आप नहीं पढ़ते, अंडा पढ़ते हो, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 आवर आप पढ़ते हो, इसका मतलब क्या है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, 5वें घंटे पे आपने पढ़ाई करी नहीं है, चेक कर लो, नहीं मानते तो, और पढ़ोगे क्या, सही सही बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आपने मैक्स टू मैक्स, मतलब मिनिमम 2 घंटा तो पढ़ते ही हो, मैक्स टू मैक्स 4 घंटे तक जा रही है गाड़ी, ठीक है, क्योंकि उसके आगे तो अंडा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन सबको रख देंगे, तो एक्स इक्वल टू 2 पे, एक्स इक्वल टू 2 पे प्रोबेबिलिटी है 2k, 3 पे क्या प्रोबेबिलिटी है 2k, और 4 पे क्या प्रोबेबिलिटी है k, चेक करो आप लोग, 2k 2k k, तो 4k प्लस k 5k, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 5k, ओके। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 × k, k की वैल्यू क्या है, 3/20, सो 5 × 3/20 कितना होगा ये, 5 1 5 4 ज़ा, सो 3/4, 5 1 5 5 4 ज़ा 20, सो 3/4। सो 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि आप एटलीस्ट 2 आवर तो पढ़ते हो, ठीक है जी। फिर क्या बोला इनने, एग्जैक्टली 2 आवर्स, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप एग्जैक्टली 2 आवर्स पढ़ते हो, मतलब सिर्फ 2 घंटा, भैया जैसे ही 2 घंटे हुए उतनी ही में किताब बंद, ठीक है। तो सिर्फ एग्जैक्टली 2 घंटे पढ़ते हो आप, एग्जैक्टली 2 घंटे पढ़ते हो मतलब क्या, सिर्फ ये वाला कॉलम, एग्जैक्टली 2 घंटा, ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, आपने एकदम घड़ी सेट कर लिए, 2 घंटे ही पढ़ूंगा एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली 2 आवर्स क्या है बेटा, एग्जैक्टली 2 आवर्स है 2k, k की वैल्यू क्या है, 3/20, सो ये बन जाएगा 3/10। फिर लास्ट पार्ट क्या है इसका, एटमोस्ट 2 आवर्स, आप लोग एटमोस्ट 2 आवर्स पढ़ते हो, एटमोस्ट 2 आवर का क्या मतलब है, एटमोस्ट 2 आवर का मतलब है कि 2 या 2 से कम, ठीक है, एटमोस्ट 2 आवर, इसका मतलब ये है कि भैया 2 या 2 से कम घंटे की पढ़ाई हो रही है, दैट मीन्स 2 से कम कितना है, अंडा, कुछ भी नहीं पढ़ा, 0 घंटे, है ना, प्लस 1 घंटा पढ़ लिया प्लस 2 घंटा पढ़ लिया। तो रख दो यहाँ पे जाके सारी वैल्यूज, जब एक्स आपका 0 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1, तो आप 1 घंटे भी ना पढ़ते हो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है,
आप एक घंटा या दो घंटा पढ़ते हो के 1+2 के, दैट मीन्स 3 के, और के कितना है आपके पास 3/20, सो यहाँ पे लिख दोगे इंटू 3/20, इसको लिख सकते हो 1/10, और 3 3 क्या होता है जी, 3 3 9 होता है, सो 9/20। एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 20 आएगा, 10 2 दिस इज 2, दिस इज 9, तो ये आ रहा है 11/20। सो 11/20 आ रहा है कि आप एटमोस्ट 2 आवर्स पढ़ते हो। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, येट इम्पॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, अगर पेपर में आ गया तो बहुत खुश होता ना, क्योंकि आप खुद देख रहे हो कितना सिंपल है ये। तो के की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होता है, तो इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करके 1 से इक्वेट कर देना, ठीक है जी। फिर मिल गया आपको के की वैल्यू, फिर इन्हें क्या बोला कि एटलीस्ट 2 आवर पढ़ते हो, एटलीस्ट 2 आवर पढ़ते हो मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, एग्जैक्टली 2 आवर ये हो जाएगा, और एटमोस्ट 2 आवर मतलब 2 या 2 से कम, तो बस उनको ऐड करते जाना है प्रोबेबिलिटीज़ को और आपका आंसर आ जाएगा। आई विश ये क्वेश्चन क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट हेड इज 3 times एज लाइकली टू अकर एज टेल, इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये सवाल है। देखो यार, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या कहता है ये आपसे, अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट हेड इज 3 times एज लाइकली टू अकर एज टेल। क्या लिखा है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है ना वो 3 times है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की। इसका मतलब क्या हुआ, इन्हें बोला ना कॉइन बायस्ड है, और ऐसा बायस्ड है कि हेड जो है वो 3 times एज लाइकली टू एज अकर एज टेल, 3 times लाइकली टू अकर एज टेल, मतलब टेल जितनी बार भी आता हो उसे 3 गुना ज़्यादा आपका हेड आने की चांसेस है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 3 times द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ठीक है। इफ़ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अगर हमने इस सिक्के को 2 बार टॉस कर दिया, ये वो सिक्का है जिसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3 times ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टेल आने की प्रोबेबिलिटी, इस सिक्के को जब मैं टॉस करती हूँ कितनी बार, 2 बार, इस कॉइन को मैंने ट्वाइस टॉस किया है, इस कॉइन को मैंने ट्वाइस टॉस किया है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है नंबर ऑफ टेल्स का, तो जिसका भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है दैट बिकम्स योर रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ टेल्स, एक्स क्या हो जाएगा जी, नंबर ऑफ टेल्स, क्लियर है सबको, एक्स इज द नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है भैया। अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट हेड इज 3 times एज लाइकली टू अकर एज टेल, इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, तो एक्स इज नंबर ऑफ टेल्स, इसका मेरे को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। मैंने इस कॉइन को कितनी बार टॉस किया है जी, मैंने इस कॉइन को 2 बार टॉस किया है, तो एक्स मेरा क्या हो सकता है, नंबर ऑफ टेल्स, तो जब मैं इस कॉइन को 2 बार टॉस कर रही हूँ तो हो सकता है कि नंबर ऑफ टेल्स मुझे अंडा मिले, मुझे एक भी टेल ना मिले, या फिर हो सकता है कि मुझे एक टेल मिल जाए, या फिर हो सकता है कि मुझे 2 टेल्स मिल जाए, क्योंकि मैंने कॉइन को मैक्सिमम कितनी बार टॉस किया है जी, 2 times उसको टॉस किया है, तो एक्स नंबर ऑफ टेल्स मेरा क्या क्या हो सकता है, 0, 1 and 2। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस दैट मीन्स एक्स क्या है, नंबर ऑफ टेल्स, एक्स नंबर ऑफ टेल्स है तो वो नंबर ऑफ टेल्स क्या हो सकता है, 0, 1 and 2। यहाँ तक सब ठीक है, क्लियर है सबको, चलो जी। सो कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो एक्स इज नंबर ऑफ टेल्स गिवन है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ टेल्स क्या हो सकता है, जब कॉइन को 2 बार टॉस करोगे तो हो सकता है एक भी टेल ना मिले, हो सकता है 1 टेल मिल जाए, हो सकता है 2 ही टेल मिल जाए, तो एक्स इज 0, 1 and 2, ठीक है भाई। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स इक्वल टू 0 की, मतलब जब मुझे एक भी टेल ना मिले, तो यार मैं जानती हूँ कि जब अपने कॉइन को 2 बार टॉस करती हूँ तो बेसिकली उसके सैम्पल स्पेस में क्या आता है, उसके सैम्पल स्पेस में आता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी, बताओ
कि एक भी हेड ना, एक भी टेल ना आया हो. x इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टेल्स क्या है, जीरो. सो नंबर ऑफ टेल्स जीरो किस में आता है, जब आपके पास आउटकम एच एच आ जाता है. ठीक है ना, जब आपके पास आउटकम एच एच आता है तो आपको इस एच एच की प्रोबेबिलिटी बतानी है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच मतलब इसमें नंबर ऑफ टेल्स कितना है, अंडा. तो नंबर ऑफ टेल्स अंडा है एच एच में, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच, ये आपको बताना है. सो एच एच में आप देख सकते हो हेड आ रहा है और हेड आ रहा है, आपको हेड की प्रोबेबिलिटी और हेड की प्रोबेबिलिटी बताना है. अब यहाँ पे हमने देखा था स्टार्टिंग में ही कि यार मैंने जिस कॉइन को दो बार टॉस किया है दैट कॉइन इज बायस्ड कॉइन. यहाँ पे मेरा कॉइन कैसा है, बायस्ड है. इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज थ्री टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल. तो मैंने सपोज किया यहाँ पे कि लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू पी. तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा. और इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगा जी, एक ही तो होगा. एक सिक्के की बात करूं जिसको दो बार टॉस किया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगा, 1 होगा. सो हेड की प्रोबेबिलिटी है 3p, टेल की प्रोबेबिलिटी है p, दिस इज इक्वल टू 1. 3p प्लस p इज 4p, सो 4p इज इक्वल टू 1. सो p इज इक्वल टू 1/4. p क्या आ गया आपके पास, 1/4 आ गया. ठीक है, वेरी गुड, पी 1/4 आ गया, अच्छी बात है. अब आते हैं वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 पे. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक हेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरा हेड. अच्छा यहाँ पे एक बात सुनो, p आपका 1/4 आया है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना है, 1/4 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है, 3p, मतलब 3 × 1/4 दैट इज 3/4. ठीक है ना, आपने यहाँ से टेल की प्रोबेबिलिटी और हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल ली. अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच चाहिए. आपके जो आउटकम्स हैं इस सैम्पल स्पेस में इक्वली लाइकली नहीं है. ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, ना ऐसा नहीं करना है. यहाँ पे जो ये सिक्का है आपका वो बायस्ड है. ये जो आउटकम्स हैं आपके सैम्पल स्पेस में दे आर नॉट इक्वली लाइकली. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच के लिए आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच करोगे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना है आपके पास, 3/4 इंटू 3/4. सो 3 सा क्या होता है जी, 9 होता है. और 4 सा क्या होता है जी, 16 होता है. सो 9/16. ठीक है, क्लियर है सबको. सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 दैट इज कमिंग आउट टू बी 9/16. फिर हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1. x इक्वल टू 1 मतलब क्या, कि नंबर ऑफ टेल्स कितना है आपका, 1 है. तो नंबर ऑफ टेल्स 1 कहाँ कहाँ आता है, नंबर ऑफ टेल्स 1 आता है एच टी में और नंबर ऑफ टेल्स 1 आता है टी एच में, क्योंकि आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है. तो इनकी प्रोबेबिलिटीज आप इस तरीके से निकालोगे. ठीक है ना, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है जी, 1/4 है. हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है जी, 3/4 है. टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, 1/4 है. हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, 3/4 है. सो दिस इज 3/16 प्लस 3/16 दैट इज कमिंग आउट टू बी 6/16. सिंप्लीफाई करना चाहो तो 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16. दिस इज x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी. अब आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2. सो x इक्वल टू 2 का मतलब है कि भैया आपके पास नंबर ऑफ टेल्स कितने आए हैं, नंबर ऑफ टेल्स आपके पास 2 आए हैं. तो नंबर ऑफ टेल्स आपके पास 2 आए हैं मतलब TT. सो आपको बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ TT बताना है. तो दिस इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल. टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4 दैट मीन्स 1/16. नाउ लेट अस मेक द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. सो इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेबल क्या आएगा, x p ऑफ x. तो दिस इज 0, 1, 2. x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, 9/16. दिस इज 6/16. और उसके बाद यहाँ पे क्या है, 1/16. सो ये आ रही है प्रोबेबिलिटीज. ये बन गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. बहुत प्यारा क्वेश्चन है. यहाँ पे ध्यान देना है कि सैम्पल स्पेस में रखे आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है. ठीक है, सैम्पल स्पेस में रखे आउटकम्स आपके इक्वली लाइकली नहीं है. तो अच्छी बात है ना, कोई बात नहीं, क्या प्रॉब्लम है.
कॉइन इज बायस्ड सो दैट हेड इज थ्री टाइम्स इज लाइकली टू अकर एज टेल. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज थ्री टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल विच इज गिवन टू अस. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज थ्री टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल. ठीक है, कॉइन को दो बार टॉस किया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल बताना है. तो कॉइन को अगर दो बार टॉस करूंगी तो नंबर ऑफ टेल क्या क्या आ सकता है? हो सकता है यार एक भी टेल ना मिला हो, हो सकता है एक टेल मिल गया हो या फिर दो टेल मिल गया हो. अब बस इन्हीं की प्रोबेबिलिटीज निकालना है. दो बार टॉस करते हैं, सैम्पल स्पेस ऐसा आता है, सैम्पल स्पेस के अंदर रखे हुए हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी इज डिफरेंट क्योंकि कॉइन बायस्ड है, दे आर नॉट इक्वली लाइकली. सिंस दे आर नॉट इक्वली लाइकली तो हम कुछ अलग कंसेप्ट इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. वो जानने के लिए पहले जरा समझते हैं कि यार प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज थ्री टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टी का बेसिकली क्या मतलब है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल पी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड थ्री पी हो जाएगा. मैंने कह दिया कि टेल की प्रोबेबिलिटी पी है. अब हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी एक सिक्के में एक होती है, राइट? तो यहाँ पे पी की वैल्यू निकाली, इधर सब्सिट्यूट किया तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी आ गई. फिर x इक्वल टू जीरो मतलब कि प्रोबेबिलिटी जब आपको एक भी टेल ना मिला हो, मतलब दोनों हेड मिले हो, तो पी एच एच की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सिंस इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली द कॉइन इज बायस्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच. रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज को रखेंगे, सेम कहानी यहाँ पे दोहराना है और सेम चीज़ आपको x इक्वल टू टू के लिए रिपीट करना है. टेबल बना दो, काम आपका हो गया. सो आई होप आई विश ये क्वेश्चन क्लियर है. इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है. अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट. फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर और बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रिस्पेक्टिवली 3/10, 1/5, 1/10 एंड 2/5. द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल बी लेट आर 1/4, 1/3 एंड 1/12 इफ ही कम्स बाय ट्रेन, बस एंड स्कूटर रिस्पेक्टिवली. But if he comes by other means of transport, then he will not be late. When he arrives, he is late. What is the probability that he comes by train? Ma'am, ये क्या question इतना बड़ा सा? अरे पढ़ो तो सही, धीरे धीरे पढ़ो, बहुत simple है. ठीक है, तोड़ तोड़ के पढ़ो इस question को. सबसे पहले ये बोलता है कि एक doctor को patient के पास जाना है. From the past experience, it is known that the probabilities that he will come by train, bus, scooter और by other means of transport are 3/10, 1/5, 1/10 and 2/5. तो यहाँ पे हमारे पास probabilities given है कि वो train से आता है 3/10, वो bus से आता है 1/5, वो scooter से आता है 1/10 और उसके बाद वो other means of transport से आता है, उसकी probability 2/5 है. ठीक है, doctor की बात कर रहे हैं ये लोग. एक डॉक्टर हैं जो पेशेंट को चेक करने के लिए आते हैं और पास्ट एक्सपीरियंस से ये पाया गया है कि प्रोबेबिलिटीज़ कि वो ट्रेन से आते हैं 3/10 है, वो बस से आते हैं 1/5 प्रोबेबिलिटी है, स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है. ठीक है, द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल बी लेट आर. अब यहाँ पे भैया इनकी लेट होने की प्रोबेबिलिटीज गिवन है. ही विल बी लेट आर 1/4. ठीक है, 1/4 उनकी लेट होने की प्रोबेबिलिटी है इफ ही कम्स बाय ट्रेन. तो अगर ट्रेन से आते हैं डॉक्टर तो वो लेट हो जाएं, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4. फिर अगर आपके डॉक्टर बस से आते हैं और वो लेट हो जाएं, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है. अगर आपके डॉक्टर स्कूटर से आते हैं और वो लेट हो जाएं, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ही विल बी लेट, द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल बी लेट आर 1/4 इफ ही कम बाय ट्रेन, 1/3 इफ ही कम बाय बस, 1/12 इफ ही कम बाय स्कूटर. द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल बी लेट, वो लेट हो जाएंगे. अगर वो ट्रेन से आते हैं तो उनकी लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है. तो अगर वो ट्रेन से आते हैं, ये गिवन है, तो उनकी लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है. अगर वो स्कूटर से आते हैं तो उनकी लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/12 है और अगर वो बस से आते हैं तो उनकी लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है. ठीक है, बट इफ ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ही देन ही विल नॉट बी लेट. और अगर वो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो वो लेट नहीं होते. तो लेट हो ही नहीं रहे तो जीरो.
ठीक है, लेट ही नहीं हो रहे, ये इवेंट अकर ही नहीं कर रहा, इम्पॉसिबल भैया, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं तो लेट हो ही नहीं सकते। तो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको क्या लगता है किससे आए होंगे, सोचो। ठीक है, तो इन्हें कहा है कि अगर वो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो वो लेट नहीं होते, इसकी प्रोबेबिलिटी है अंडा, वो लेट होते ही नहीं है। अगर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आ रहे तो वो लेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता कि वो लेट हो ही नहीं रहे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो लेट नहीं हो रहे। इम्पॉसिबल मतलब क्या है कि भैया ट्रेन बस और स्कूटर से अगर आते हैं तो लेट तो वो हो ही रहे हैं, लेकिन वो अगर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो वो लेट नहीं होते, ठीक है, लेट हो ही नहीं रहे, तो इट इज जीरो, ठीक है, ओके। व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, लेकिन जैसे ही वो आए वो तो लेट थे, जैसे वो पेशेंट से मिलने आए वो तो लेट थे, ठीक है। इनके पास इतने सारे साधन हैं आने के, ट्रेन बस स्कूटर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मेरे को लगता है ये पक्का एरोप्लेन होगा, ठीक है, तो इतने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, ठीक है, तो इन सबसे ना वो आ चुके हैं और इन सबसे कभी ना कभी जिंदगी में लेट भी हुए हैं। फिर पता चला कि जैसे ही वो पेशेंट से मिलने आए वो तो लेट थे, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाई ट्रेन, ठीक है, वो तो लेट थे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रेन से आए थे, ये आपको बताना है, लेट तो वो थे ये तो हमें पता है, ट्रेन से आए थे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसलिए वो लेट हुए। यहां से पीछे की तरफ जा रहे हो यानी बेस थ्योरम लगाओगे, सही बात है, तो यहां पे लिखोगे आप लोग कि भैया प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रेन से आए हो क्या है, 3/10, यहां बोलोगे सुनो वो ट्रेन से आए थे इसलिए लेट थे, तो ट्रेन से आए थे इसलिए लेट थे 1/4, यहां बोलोगे कि वो बस से आए, बस से आने की प्रोबेबिलिटी 1/5, यहाँ पे बोलोगे सुनो बस से आए थे ना इसीलिए लेट हो गए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, यहाँ पे लिखोगे कि स्कूटर से आए, स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास 1/10, फिर यहाँ बोलोगे कि सुनो जी स्कूटर से आए ना इसलिए लेट हो गए थे हम, ठीक है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/12, यहाँ पे बोलोगे अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आए, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, यहाँ पे बोलोगे कि अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आए इसीलिए लेट हो गए, तो भैया लेट हो ही नहीं रहे अगर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो अंडा, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आए और लेट हो गए ऐसा हो ही नहीं रहा, दिस इज जीरो, दिस इज नॉट हैपनिंग, इट इज जीरो, इसकी प्रोबेबिलिटी अंडा है, ठीक है। अब हमको निकालना है कि सुनो जब वो आए, कौन कहाँ जा रहे हो, जब वो आए तो लेट थे, ट्रेन से आए ये बता दो, पीछे की तरफ जा रहे हो मतलब बेस थ्योरम लगा दो जल्दी से, तो बेस थ्योरम कैसे लगाओगे, यहाँ पे आपका फेवरेबल क्या है कि ट्रेन से आए, फिर बातें करो कि यार ट्रेन से आए थे ना इसलिए लेट हो गए, फिर नीचे सारे रास्ते लिख दो आप क्या कि ट्रेन से आए, अच्छा सुनो ट्रेन से आए तो लेट हो गए, प्लस फिर लिखोगे यहाँ पे बस से आए, फिर बोलोगे अच्छा सुनो बस से आए थे इसलिए लेट हो गए, फिर बोलोगे सुनो स्कूटर से आए थे हम तो, फिर बोलोगे अच्छा स्कूटर से आए थे तो लेट हो गए, फिर बोलोगे यार सुनो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आए, फिर बोलोगे सुनो जी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आए इसीलिए आप लेट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब कुछ रख दो, प्रोबेबिलिटी कि ट्रेन से आए क्या है जी 3/10 और लेट होने की 1/4, सो दिस इज 3/10 × 1/4 डिवाइडेड बाय 3/10 × 1/4 प्लस बस से आए थे आप, बस से आने की प्रोबेबिलिटी 1/5, और यार बस से आए थे तो लेट हो गए थे, बस से आए तो लेट हो गए 1/3, फिर बोलोगे सुनो सुन रहे हो कि नहीं स्कूटर से आए, स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी 1/10, फिर कहोगे यार स्कूटर से आए थे इसलिए लेट हो गए थे, है ना जी, तो स्कूटर से आए थे इसलिए लेट हो गए थे 1/12, फिर बोलोगे यार अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आए थे हम, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आने की प्रोबेबिलिटी 2/5, फिर बोलेंगे यार अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आए थे इसलिए लेट हो गए, अरे झूठ क्यों बोल रहे हो, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आए थे तो लेट हुए ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0 है, ठीक है। बस अपने आप से बातें करना है, आप ही आपके सबसे अच्छे दोस्त हो, बेस थ्योरम बस यही सिखाती है, ठीक है, बस आ जाओ फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 × 3 × 10 × 4 = 40 डिवाइडेड बाई 3 × 3 × 10 × 4 = 40 प्लस 1/15 प्लस 1/120, इसका एलसीएम वेलसीएम ले लो आप लोग, तो ये आएगा 3/40 × 120/18
सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लोगे 120 आएगा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे उल्टा घुमा के ले जाओगे, देन वी विल गेट 1/2 एज द आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपने पूरा क्वेश्चन देख लिया कि कैसी कहानी चल रही थी। अगर वो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो वो लेट नहीं होते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको जीरो लिखनी थी, ठीक है। क्योंकि इन्हें लिखा है ना कि अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आए फिर लेट हो गए, पर लेट तो हुआ ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बस ये बेसिक सी बात बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना था। इसके साथ हमने सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, जितने भी क्वेश्चन थे एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के सॉल्व किया। एनसीईआरटी के सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अलग अलग किताबों से हम लेकर आएंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर के, और उसको सॉल्व करके अपने प्रोबेबिलिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर कभी भी आपको कोई वीडियो लेक्चर फाइंड करने में प्रॉब्लम जाती है तो याद रखिएगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, ओके। आप वेबसाइट पे जाइए, अपने क्लास को सिलेक्ट कीजिए, अपने सब्जेक्ट को देखिए, फिर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं वो सब कुछ आपको प्रॉपर फॉर्मेट और सीक्वेंस में अरेंज्ड मिल जाएगा, राइट। आपको जो भी पढ़ना है बस उसके लिंक पे कर देना है क्लिक, और हम टीचर्स मिल जाएंगे आपको पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।